जैसे देखिए हवा है, पानी है, ठीक है। अगर जैसे बाहर देखिए, जैसे दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे स्मॉग था, यानी कि स्मॉग और फॉग का मिश्रण, ठीक है। तो अभी देखिए वहाँ पे धुंध पड़ जाती थी जब, जैसे सर्दियों में, तो होता क्या है कि जो एयर है वो ख़तरनाक हो जाती है इंसान के लिए। स्मॉग में क्या है, आप सांस नहीं ले पाते, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हवा है, पानी है, चाहे धरती है, कुछ भी है, अगर वहाँ पे जैसी चीज़ें हैं वहाँ पे इसमें परिवर्तन हो जाए, कुछ चेंजेस हो जाए जो इंसान के लिए ख़तरा है, और लिविंग कंडीशन जो भी जानवर हैं या जो प्लांट्स हैं उनके लिए ख़तरा हो सकता है, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आपके शहर में कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, अगर उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो पानी में मिल रहा है, तो आपका जो साफ़ पानी है वो गंदा हो जाएगा, जो आपके लिए ख़तरनाक साबित होगा, जिससे आपको काफ़ी बीमारियाँ लग सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इधर पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन कैन टेक एनी फॉर्म इंक्लूडिंग केमिकल सब्सटेंस, हीट, लाइट, नॉइस और एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, यानी कि टू मेक इट ईजियर टू डिस्टिंग्विश, पोल्यूशन हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू एट कैटेगरी बाय साइंटिफिक कम्युनिटी। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है एट कैटेगरी, यानी कि पोल्यूशन को 8 भागों में बांटते हैं, पर आपको यहाँ से मैं 10 से ज़्यादा, यानी कि 11 या 12 इसमें हम पोल्यूशन के टाइप करेंगे। साइंटिफिकली तौर पे देखा जाए तो 8 तरह के पोल्यूशन बताए गए हैं, पर मैं आपको यहाँ पे काफ़ी तरह के और 2-3 जो है एक्स्ट्रा करवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसका हिंदी मतलब है कि प्रदूषण जो है, जो पोल्यूशन है वो जो केमिकल सब्सटेंस है, यानी कि जो रासायनिक पदार्थ हैं, जो हीट है इनकी गर्मी, लाइट जो है प्रकाश, और जो साथ में नॉइस है और एनर्जी, यानी कि जो शोर है या ऊर्जा है, उसके सहित किसी भी रूप में हो सकता है। यानी कि जो पोल्यूशन है, ठीक है, पोल्यूशन ये नहीं कि हमने पानी गंदा हो गया तो पोल्यूशन हो गया, हवा गंदी हो गई तो पोल्यूशन हो गया, ऐसी बात नहीं है। जो पोल्यूशन है वो कई तरह से हो सकता है, उसमें गर्मी भी हो सकती है, हीट भी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है, नॉइस भी हो सकती है और एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पे नॉइस की स्पेलिंग सही कर लेना फ्रेंड्स आप, NYSE आएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे इसकी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो सबसे पहले बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। देखिए एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ नेचुरल एयर बाय मिक्सिंग इट विद डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स सच एज हार्मफुल फ्यूम्स एंड केमिकल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात आई है डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स क्या है, जो पोल्यूशन को फैलाते हैं। पोल्यूशन क्या है, उस चीज़ का नाम है जो चीज़ ख़राब हो चुकी है वो है पोल्यूशन। यानी कि जो एयर है वो अगर हवा ख़राब हो जाए तो वो क्या है, वो हो ही पोल्यूशन। अब उसके फैलाने का कारण क्या है, उसके फैलने का कारण क्या है, उसमें आ जाते हैं पॉल्यूटेंट, ठीक है। अगर एयर में पॉल्यूटेंट्स आ जाए, यानी कि पॉल्यूटेंट्स कौन सी चीज़ है जो पोल्यूशन को फैलाते हैं या पोल्यूशन फैलाने का कारण होते हैं, ठीक है, वो होते हैं पॉल्यूटेंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए है क्या, यानी कि वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन है प्राकृतिक वायु के प्रदूषण को, हानिकारक धुएं और रासायनिक जैसे विभिन्न प्रदूषकों के साथ मिलकर होता है। अब देखिए है क्या कि जो जो वायु प्रदूषण, जो एयर पोल्यूशन है वो किससे होता है, ठीक है। अगर देखिए हानिकारक धुआं है, यानी कि जो नेचुरल एयर है उसमें अगर कोई चीज़ आके मिक्स हो जाए, कोई और धुआं मिक्स हो जाए, तो वो है ख़तरनाक हो जाएगा। जैसे दिल्ली की मैंने आपको बात बताई थी स्मॉग की, स्मॉग में देखिए जैसे सर्दियां हैं वहाँ पे अगर दिवाली में पटाखे भी चला लिए जाए, पटाखों से जो वहाँ से धुआं उठता है वो हवा में जाके मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने से धुंध में, फॉग में जब वो मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने से वहाँ पे जो एयर है, वहाँ पे एयर जो है वो जहरीली हो जाएगी, उससे आपकी स्किन जो है वो जलने लगेगी। और जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों से निकलता धुआँ जब वो वहाँ पे एयर में मिक्स होता है, अब जैसे गर्मी की बात करें, अगर वहाँ से गाड़ियों का जो धुआँ निकल रहा है वो जैसे हवा में मिक्स हो रहा है, तो आपकी स्किन जो है वहाँ पे जलने लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जैसे आम गर्मी है या आम सर्दी होती है हर जगह पे, वहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा, वहाँ पे वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगी, ठीक है। दिस पोल्यूशन कैन बी कॉज बाई गैसेज एमिटेड बाई व्हीकल्स और फ्रॉम बर्निंग मटीरियल और हार्मफुल फ्यूम्स एमिटेड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री। देखिए ये पोल्यूशन फैलता कैसे है, ये फैलता है गैसेज से, ठीक है। अब देखिए व्हीकल से, कार है, बस है, बाइक्स है, अब इनसे अगर ये चलेंगे, जैसे इनसे अगर धुआं निकलेगा तो ऑब्वियसली वो हवा में फैलेगा, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, ठीक है। जो भी देखिए हार्मफुल बर्निंग मटेरियल जैसे कोयला है वो जलेगा, ठीक है, वो जलेगा तो उससे भी धुआं निकलेगा। और जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री में देखिए जैसे आप ईंटों की फैक्ट्री लगा लो, वहाँ पे कितना धुआं निकलता है, ठीक है, कुछ भी आप वहाँ से धुआं निकलेगा, वो सब कुछ कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा एयर के अंदर। इंसान की ज़रूरतें देखिए कितनी बढ़ चुकी हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें जो नेचुरल
जो वातावरण है, जो नेचुरल हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। द हायर कंसंट्रेशन आल्सो रिजल्ट इन ब्रीथिंग प्रॉब्लम फॉर लिविंग थिंग्स। अब देखिए जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे इंसान हैं, जानवर हैं, प्लांट्स हैं, अब उनको देखिए सांस सांस की प्रॉब्लम आ रही है। सम इफेक्ट्स इंक्लूड इंक्रीज इन स्मॉग, हायर रेन एसिडिटी, क्रॉप डिप्लेशन फ्रॉम इनएडिक्वेट ऑक्सीजन एंड हायर रेट्स ऑफ अस्थमा। देखिए है क्या, इंक्रीजिंग इन स्मॉग, स्मॉग वही स्मॉग क्या है, स्मोक यानी कि धुआं और फॉग का मिश्रण, धुएं और धुंध के मिश्रण को कहते हैं स्मॉग। अब देखिए आपको एग्जांपल बताता हूँ आगरा की, वहाँ पे देखिए जो ताजमहल बना हुआ है उसके आसपास, अब इन्होंने 20 किलोमीटर या 5 किलोमीटर कुछ ऐसे करके वहाँ पे लगभग उस एरिया में कोई भी वहाँ पे जो है वो व्हीकल नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि हो क्या रहा था कि जो उसकी वाइटनेस थी वो धुएं की वजह से, पोल्यूशन की वजह से ख़राब हो रही थी, वो पीला थोड़ा सा पड़ने लग गया था, ठीक है। ताजमहल थोड़ा सा ना पीले पीलेपन में आने लगा था। तो फ्रेंड्स इसके कारण, वो किसके कारण था, वो एयर पोल्यूशन के कारण था, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहने का ये मतलब है कि एयर पोल्यूशन जो है वो इंसान पे तो काफ़ी जो असर डालता ही है, ठीक है, साथ ही इमारतों पर भी असर डालेगा। तो होगा कैसे, देखिए स्मोक हो जाएगी, हायर रेन एसिडिटी, अब जो रेन होगी ठीक है वो अम्लीय वर्षा होगी, एसिडिटी होगी, ठीक है, जो ख़तरनाक होगी हमारी फसलों के लिए। अब देखिए जैसे एयर पोल्यूशन हो, अब उसमें बारिश हो जाए और उसमें जो पानी होगा वो एसिड वाला पानी होगा जो ख़तरनाक होगा फसलों के लिए, ठीक है, क्रॉप जो है जो उससे फसलें जो ख़राब हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे एयर पोल्यूशन का जो है वो नुकसान है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग है क्या, आपने सभी सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, जैसे देखिए कि गर्मी बढ़ने से क्या होगा कि जो ग्लेशियर है, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं, पिघलने से क्या है वो पिघल के जो उसके आसपास जो समुद्र, जो सी है वहाँ पे जाके उनका पानी मिक्स हो रहा है। जैसे देखिए समुद्र का जो पानी है, जैसे है जितना लेवल है उतना है, अगर वहाँ से जो बर्फ़ का पहाड़ पिघल के उसके बीच में उसके पानी एक्स्ट्रा आ जाए तो ऑब्वियसली बात है कि उसका जो पानी एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा पानी होने से क्या होगा, वो कहीं पे जा वो पानी निकल जाएगा, निकलने से क्या होगा, जो आसपास के उसका इलाका होगा वो अपने साथ बहा के ले जाएगा। अब देखिए आपने घर पे पानी की बाल्टी लगा रखी है, जैसे एग्जांपल के तौर पर जब बात करते हैं पानी की बाल्टी लगा रखी है, अगर आप उसको पानी की बाल्टी भरते हो, अब जो भर जाए जितनी उसकी कैपेसिटी ऊपर तक भर जाए, अब भरने के बाद क्या होगा, पानी नीचे गिरने लगेगा, है ना, इनकी जितनी कैपेसिटी थी बाल्टी की पानी भरने के लिए, ठीक है, अब उसमें से बाहर पानी निकलने लग गया है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा पानी उसमें आएगा नहीं। तो ऐसा ही समुद्रों का काम है, जैसे समुद्र है जितना पानी उसमें है, अगर उसमें एक्स्ट्रा पानी आ जाए तो बाहर आ जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो बर्फ़ के पहाड़ ग्लेशियर है वो पिघल के उनका जो पानी है वो समुद्र में जा रहा है, उससे उसका लेवल बढ़ रहा है, तो लेवल जो है आसपास के इलाके हैं जो कुछ कंट्रीज हैं वहाँ पे बाढ़ का कारण बन रहा है, जिससे इंसान को काफ़ी खतरा हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसके सोर्सेज ये लेते क्या हैं, देखिए ठीक है, इसके स्रोत क्या है, इनकी कैसे फैलता है ये देखिए। बर्निंग फॉसिल फ्यूल, देखिए बर्निंग फॉसिल फ्यूल क्या है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल से कहते हैं जलने वाले जीवाश्म ईंधन, ठीक है। बर्निंग ऑफ वुड, चारकोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल कॉज एयर पोल्यूशन बाय रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, पेट्रोलियम कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोकार्बन सल्फर नाइट्रोजन। देखिए है क्या बर्निंग फॉसिल फ्यूल, क्या है कि जो चीज़ें जलती हैं, जैसे देखिए लकड़ी जलती है, कोयला जलता है, ठीक है, या अदर जैसे पेट्रोल है वो जल के उसका धुआं निकलेगा। अब देखिए लकड़ी जलने धुआं निकलेगा, कोयला जलने धुआं निकलेगा, तो इससे निकलेगा क्या, लकड़ी या कोयले से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बहुत गर्म गैस होती है, ठीक है, गर्म गैस होती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए अब जैसे लकड़ी के जलने से या कोयले के जलने से अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, निकलने से क्या होगा कि जो 0.03% जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उससे हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान है। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जितने जितने परसेंट जो है वो गैसें हैं, वो उससे उसका जो बैलेंस है वो बना हुआ है, अगर किसी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उससे हमें नुकसान हो जाएगा। अब देखिए लकड़ी जलने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन सल्फर निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। तो ये
अब पेट्रोलियम जलने से क्या होगा, पेट्रोल से क्या होगा, हाइड्रोकार्बन निकलेंगे, सल्फर निकलेगा, नाइट्रोजन निकलेगा, ये कहाँ पे जाएगा, ये हवा में मिक्स होगा, हवा में मिक्स होके ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा, जिससे हमें इसे खतरा हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम सांस लिए बगैर तो रह नहीं सकते, अगर हमें एक अच्छी अच्छा जो एटमॉस्फेयर अच्छा वातावरण जो मिल जाए उसमें हम ताज़ी हवा में सांस ले सकते हैं तो इससे हम ज़िंदा भी रह सकते हैं। अगर देखिए हवा ही पोल्यूटेड हो जाए तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे, है ना। नेक्स्ट है रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल देखिए क्या है, वेयर व्हीकल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 80% ऑफ टोटल एयर पोल्यूशन। देखिए जो व्हीकल्स हैं हमारे, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, उससे क्या है कि उनकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, हम उनके व्हीकल बढ़ रहे हैं, व्हीकल बढ़ने से क्या है एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब देखिए 80% जो है टोटल एयर पोल्यूशन है, इनकी जितना भी एयर पोल्यूशन है उसमें 80% किस में से निकलता है, ऑटोमोबाइल से या उससे व्हीकल से निकलता है, ठीक है फ्रेंड्स। मेजर पोल्यूटेंट्स देखिए ऑटोमोबाइल से हैं, लोकोमोटिव, एयरक्राफ्ट वगैरह से यहाँ से निकलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज, देखिए फैक्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर प्लांट्स एंड स्टील इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। दे एड वेरियस हार्मफुल गैसेज लाइक CO, ठीक है, SO3, NO, हाइड्रोकार्बन एट्सेट्रा टू द एटमोसफेयर। अब देखिए इंडस्ट्री जो है, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी है, जहाँ पे पेट्रोल को साफ किया जाता है, फर्टिलाइजर प्लांट है, स्टील इंडस्ट्री कुछ भी है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो धुआं निकलता है कुछ भी है, ठीक है, जो धुआं निकलेगा वो हवा में जाके मिक्स हो जाएगा, जो हमारे लिए खतरा है। देखिए यहाँ से धुआं निकलेगा फैक्ट्रियों से, उनमें कौन सी गैसें निकलेगी, उनमें CO, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है, वहाँ पे देखिए अब कार्बन निकलेगा यहाँ से, ठीक है, SO3, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, हाइड्रोकार्बन निकलेगा, ये सारी चीज़ें निकलेंगी जो हमारे किसके लिए ख़तरनाक हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जितनी गैसें हैं वहाँ पे उसका जो बैलेंस बना हुआ है उतना ठीक है, अगर इनके गैसों से निकलने से उनका बैलेंस बिगड़ता है तो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा खतरा है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी देखिए, स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड कॉजेज एयर पोल्यूशन। अब जो पेस्टिसाइड है, जो फसलों के ऊपर जो स्प्रे करते हैं उससे भी एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। एक्सप्लोजन, वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड इन वॉर पोल्यूटेड द एरिया बाय रिलीज पॉइजनस गैसेस। अब देखिए युद्ध के समय, लड़ाई के समय क्या है, जब जो इस्तेमाल हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे धुआं निकलता है, ठीक है, तो उससे भी जो है एयर पोल्यूशन होता है। जब कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी देश है, जब कोई टेस्ट करता है वहाँ पे जब धुआं निकलता है वो भी किसमें, आपने देखा होगा जैसे रॉकेट छोड़ा वहाँ पे कितना धुआं निकलता है, वो सारा किसमें मिक्स होगा, वो सारा एयर में ही मिक्स होगा ना। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पोल्यूट एयर बाय रेडियो एक्टिविटी। अब देखिए न्यूक्लियर परमाणु जो है, जो परमाणु टेस्ट हो, जो टेस्ट करते हैं, या परमाणु जो है अगर चला दिया जाए कहीं पे, तो उससे क्या है जो रेडियो एक्टिव रेज निकलेंगी, किरणें निकलेंगी, जो हमारी हवा को ख़राब कर देंगी। द फैक्ट ऑफ द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन ऑन हिरोशिमा नागासाकी आर वेल नोन एग्जाम्पल। अब देखिए जो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर जब दो एटम बम गिराए थे, तो उसमें क्या था, उसमें जो रेडियो एक्टिव रेज निकली थी, जो किरणें निकली थी, उस वो क्या था, हवा में मिक्स हो गई थी, जो हवा पोल्यूट वहाँ पे हो चुकी थी, जो इंसान के लिए ख़तरनाक काफ़ी सिद्ध हुई थी। अब देखिए वहाँ पे आज भी लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ पे फसलें भी पैदा नहीं होती, तो देखिए कितने साल बीत चुके हैं, ठीक है, अराउंड वहाँ पे आप देखिए तकरीबन 70-75 साल हो चुके हैं तकरीबन, फिर भी आज भी उसका असर वहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेचुरल कॉसेस क्या है, देखिए गैस एमिशन, एक्टिव वॉल्केनोस, मैश गैस, स्पोर्ट्स ऑफ फंगी और पोलन्स आर नेचुरल कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। देखिए जब एक्टिव वॉल्केनो, जब वॉल्केनो निकलता है, ठीक है, गैसें निकलती हैं, ये सारे क्या है, ये सारे एयर पोल्यूशन का कारण है। हम इसे पूरी तरह से कम तो नहीं, घटा तो ख़त्म नहीं कर सकते, पर हम इसे घटा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते पर हम इसे घटा तो सकते हैं ना। तो नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स। देखिए कॉमन एयर पोल्यूटेंट क्या है, एयर पोल्यूटेंट क्या है कि जो पोल्यूशन का कारण बनती हैं, ठीक है। अब देखिए एयर पोल्यूशन है वो टू टाइप्स का मेन है, देखिए गैसेस है, जैसे देखिए ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आर गैसेस पोल्यूटेंट, यानी कि जो
पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें देखिए कि जो कार्बन है वो निकलेगी, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर, ये गैसें हैं, ये पॉल्यूटेंट्स हैं जो एयर में मिक्स हो जाती है, तो जिससे एयर पोल्यूशन होता है। पार्टिकुलेट पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स वे बी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स, लार्जर पार्टिकल्स सेटल डाउन क्विकली वेज सैंड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, वेयर स्मॉल डस्ट पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दीज आर एडेड इन टू एटमोसफेयर बाई प्रोसेसिंग ऑफ ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग। देखिए, जब पहाड़ों को तोड़ते, जब ब्लास्ट करते हैं, जब ड्रिल करते हैं, जब क्रश करते हैं, पहाड़ों को तोड़ते हैं, ग्राइंड करते हैं, मिक्स कर कुछ भी करते हैं, तो उससे क्या है फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स जो निकलते हैं जो हवा में होते हैं। देखिए, जो ये सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये एकदम से हवा में फैल जाते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी समय तक जो है हवा में रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे देखिए, जो बड़े कण हैं, जो लार्ज जो पार्टिकल्स हैं, वो जल्दी से रेत में या पानी की बूंदों को जमा देते हैं, ठीक है, जबकि छोटे छोटे धूल के कण हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वो हवा में ही चलते रहते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े धूल के कण हैं वो रेत और पानी की बूंदों को जमा देंगे, ठीक है, तो जो छोटे छोटे कण हैं वो हवा में चले जाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हवा में बात करें, वहाँ पे PM 2.5 और PM 10, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर जिसे कहते हैं हम, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। स्मॉग में आजकल 2.5 जो है PM और PM 10 है वो पाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। ये सीधे इसे ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आती है, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। स्मॉग, देखिए, फॉग, स्मॉग क्या है, फॉग और स्मॉग का मिक्सचर जिसे कहते हैं स्मॉग। स्मॉग देखिए, दिल्ली में सबसे पहली बात है कि इस दिल्ली में धुआं ही धुआं हो जाता है सर्दियों में, वहाँ पे पटाखे चलाए, व्हीकल्स के से निकले जो धुआं है उस जो है वो धुंध में मिक्स हो जाएगा, तो वहाँ पे पूरी दिल्ली में धुआं ही धुआं फैल जाएगा, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आपने देखा होगा न्यूज़ में भी, वहाँ पे लोग क्या है मास्क लगा के जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे, ठीक है। अब देखिए, गैसेस पोल्यूटेंट्स क्या हैं, ठीक है, यहाँ पे बात की ना कि एयर पोल्यूशन जो पोल्यूटेंट्स क्या है, गैसेस हैं, पार्टिकुलेट हैं, स्मोक की वजह से होते हैं। अब गैसेस पोल्यूटेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको वही कहा है कि जब CO2 कंटेंट्स ऑफ एयर हैज़ इंक्रीज 20% ड्यूरिंग हैज द लास्ट सेंचुरी। अब देखिए, हमारे जो एटमोसफेयर में, जो हवा में जो CO2 की मात्रा है वो 20% जो है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। इससे क्या है, हमें सरदर्द होता है का खतरा रहता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्या है, सरदर्द का खतरा रहता है। इट इंक्रीज इन द एयर मे कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव डालते हैं। देखिए, इसमें है क्या, जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, गर्म गैस है, गर्म गैस है, ये 20% बढ़ चुकी है हमारी एयर के अंदर। यही कारण है हमारा जो जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस है वो अफेक्टेड हो रहा है, यही कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। आप देखिए, गैस गर्म है, ठीक है, आप देखिए जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ के ऊपर आप उसको बर्फ़ के ऊपर आप किसी आग को जला कर रख दो, फटाफट वो पिघल जाएगी, है ना। ऐसे ही CO2 एक बहुत ही गर्म गैस है, जो एयर में जब मिक्स होती है, तो वही एयर जब ग्लेशियर के ऊपर होती है, तो जो ग्लेशियर वो पिघलने से क्या होगा, वो समुद्र में जा रहे हैं, उसका पानी जो बढ़ रहा है, तो इससे क्या है, जगह जगह पे कई कंट्रीज में फ्लड आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पहली बात तो, इट इज़ ए कलरलेस, ऑडरलेस, नॉन इरिटेटिंग बट वेरी पॉइजनिंग गैस। देखिए, इसका कोई कलर नहीं है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है, ना ही ये इरिटेट करती है, पर ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस, जहरीली गैस है। इट इज़ ए प्रोडक्ट बाय इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल सच एज नेचुरल गैस, ऑयल और वुड व्हीकल, व्हीकलर एग्जॉस्ट इज ए मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलती है, कोयले से निकलती है। जब देखिए कोयला या लकड़ी जब पूरी तरह से जल नहीं पाते, उनमें से जब धुआं निकलता रहता है, निकलता रहता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे निकलती है, ठीक है। आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में, जब कई बार न्यूज़ आती है कि एक घर में अंगीठी जला के, अंगीठी होता है जिसमें कोयला जला के रखते हैं हाथ सेकने के लिए वैसे भी, ठीक है, अंगीठी जला के रखी, तो सुबह करके कमरे में रखी, तो सुबह करके सारे जो जितने भी पर्सन थे उनकी डेथ हो गई। तो होता क्या है कि ये कार्बन मोनो जो ऑक्साइड गैस है, बहुत भारी गैस होती है, बहुत ही जहरीली गैस होती है, ये ऑक्सीजन को दबा देती है। अब देखिए, इसको निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो होना ज़रूरी है। अब जैसे देखिए, हम कमरे के अंदर कोयला जला के रख दें, ठीक है, सर्दियों के मौसम में कोयला जला के रख दें, तो घर में कोई रोशनदान ना हो या कोई दरवाज़ा ना खुला हो, पूरी तरह से बंद हो,
तो एक गैस निकल के पूरे कमरे में फैल जाएगी, तो जो हमारे अंदर जो चली जाएगी, जो ये गैस भारी होने की वजह से जो हमारी ऑक्सीजन जो गैस जो हल्की होती है उसको दबा देगी, जिससे इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये बहुत जहरीली गैस है, कहाँ से निकलती है? ये इनकम्प्लीट कम्बशन, यानी कि जब कोयला या लकड़ी पूरी तरह से नहीं जलती तब। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दीज इंक्लूड NO एंड NO2। देखिए ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मैंने कि नाइट्रोजन में जब ऑक्सीजन मिक्स हो जाए, विच आर रिलीज बाय ऑटोमोबाइल्स केमिकल इंडस्ट्री। देखिए फ्रेंड्स है क्या, जब केमिकल इंडस्ट्रीज है, जब ऑटोमोबाइल्स है, उसमें से जब गैस निकलती है, ठीक है, तो वो NO2 निकलेगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है, SO2, SO3, ये कोयले से, पेट्रोलियम से या हार्मफुल जैसे क्लोथिंग प्लांट्स हैं, एनिमल से, वहाँ से निकलती है। देखिए आपको मैं से जैसे गैसे बता रहा हूँ, CO2 है, नाइट्रोजन, सल्फर है, ये सारी ही गैसें जो हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड गैस है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये जो निकलती है ये हमारी एयर में जब मिक्स हो जाती है, ये हवा में मिक्स होने के बाद जब हमारे एटमोसफेयर में पहुँचती है, तो ये हमारी ओजोन लेयर के साथ जाके चिपक जाती है। तो उससे है क्या, ओजोन लेयर के चिपकने के साथ वो ओजोन लेयर जो पतली भी हो रही है, उसके बाद जब बारिश होती है, बारिश की बूंदों के साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस मिक्स होकर नीचे आती है, जिससे एसिड रेन होती है, जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, देखिए फॉर्म्ड बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पोलुटेंट्स वाइज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन। नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म पर ऑक्साइड्स नाइट्रेट, ऑक्सोन, एल्डिहाइड्स एंड सम अदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दी एयर, ठीक है। अब देखिए इसमें है क्या, देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जब ये जब इनके बीच जब इनके बीच जो प्रतिक्रिया होती है, यानी कि इनके बीच में क्या है, इनके बीच में क्या है कि जब रिएक्शन होता है, यानी कि जब हम नाइट्रोजन की बात करें, जब हम हाइड्रोजन की बात करें, जब इनके बीच में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, तब कौन सी गैस, तब क्या निकलता है, तब ये फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स निकलते हैं। अब देखिए सनलाइट की जो उपस्थिति है, जब सनलाइट मौजूद हो उसमें क्या है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जब हाइड्रोजन है, उसके साथ जब प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया का क्या मतलब है, जब इनके साथ जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के साथ क्या है, ये हवा में मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने के साथ क्या है, ये हमारी जो एयर को ख़राब कर देंगी। हाइड्रोकार्बन दीज आर अनबर्न्ड डिस्चार्ज, देखिए जब कोई चीज़ सही तरह से जल नहीं पाती, ठीक है, लकड़ी वगैरह जल नहीं पाती, तो हाइड्रोकार्बन से निकल रहे हैं। पार्टिकुलेट मैटर, वही PM10 और PM2.5 की मैंने आपसे बात की है। स्मॉग में जब गैसें निकलती हैं, जब हवा में मिक्स होती हैं, तो देखिए फ्रेंड्स एयर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, पार्टिकुलर मैटर, यानी कि ये बहुत बारीक से कण होते हैं, बारीक से कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जो हमारी सांस के जरिए अंदर चले जाते हैं, जो हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को ख़राब कर देते हैं। पार्टिकुलर मैटर PM10, PM जो 2.5 सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो हमारे लंग्स को ख़राब कर देगी, ये एयर पोल्यूशन में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पार्टिकुलर मैटर या PM2.5 या 10 कहाँ पे पाया जाएगा, ये एयर पोल्यूशन में पाया जाएगा, ठीक है। एरोसोल, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एरोसोल। देखिए एरोसोल आर केमिकल रिलीज इन द एयर इन गैस फॉर्म। एरोसोल क्या है, ये कहाँ से निकलता है, ये केमिकल से निकलता है, तो हवा में जो जाके मिक्स हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो एरोसोल है वो गैस के रूप में हवा में मिक्स होने वाला केमिकल है। दीज इंक्लूड फ्लोरोकार्बन प्रेजेंट इन एमिशन फ्रॉम जेट एरोप्लेन्स, एरोसोल डिप्लीट द ओजोन लेयर। देखिए जो जब एयरप्लेन है, जो हमारे जो हवाई जहाज़ है, ठीक है, देखिए है क्या, जब हवाई जहाज़ से जब धुआं निकलता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें से एरोसोल जो है निकलेगा। देखिए जो फ्लो जब देखिए जब हवा में जब जहाज उड़ता है, तो उससे क्या है, जो उत्सर्जन जो गैसें निकलती हैं, जिसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो उसमें एरोसोल होती है। एरोसोल से क्या है, जो हमारी ओजोन लहर जो ओजोन लेयर है वो पतली हो रही है, यानी कि डिप्लीट हो रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। देखिए फ्रेंड्स ओजोन लेयर एक ऐसा हमारा सुरक्षा कवच है, एक ऐसी चीज़ है जो सूर्य से आने वाले जो डायरेक्ट जो किरणें हैं, जो सनलाइट है, उसको हमें फिल्टर करके भेजती है, और हमारे जो एटमॉस्फेयर की है, जो की है, वो रक्षा करती है अन्य चीज़ों से।
अब देखिए अगर ओजोन लेयर पतली हो जाए, ओजोन लेयर पतली हो जाए, सूर्य से निकलने वाली किरणें सीधी हम तक पहुंचने लगें तो हमें स्किन कैंसर तक हो सकता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, दीज आर रिलीज्ड बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड एक्सप्लोजिव्स, दीज आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर हेल्थ। देखिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है कि जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, जब परमाणु वगैरह हथियार जब चलाए जाते हैं तब इनमें से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। नेक्स्ट है फ्लोराइड्स, रॉक सॉइल्स एंड मिनरल्स कंटेनिंग फ्लोराइड्स रिलीज एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस कॉल्ड हाइड्रोजन फ्लोराइड्स ऑन हीटिंग, दिस गैस इज हाईली इंजूरियस टू लाइफ स्टॉक एंड कैटल। यहाँ पे गैस आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो इंसान के लिए, जो जिंदा प्राणी उनके लिए, और जो कैटल यानी कि जो पशु हैं, जो मवेशी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है फ्रेंड्स, फ्लोराइड जो है। अब देखिए इसमें है क्या, फ्लोराइड से जो फ्लोराइड से के साथ साथ जो चट्टाने हैं, मिट्टी हैं, जो हमारे जो मिनरल्स हैं, वो जब गर्म होते हैं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, एक गैस छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ जो चट्टाने हैं, कुछ रॉक्स है, कुछ मिट्टी है, जैसे उसमें कुछ मिनरल्स हैं, अब उसको जैसे गर्म किया जाए तो उसमें से हाइड्रोजन फ्लोराइड निकलेगा जो बहुत ही ज़्यादा जो विषैली गैस, जो ठीक है, जो मतलब कि एक खतरनाक गैस जो है वो निकलती है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, हार्मफुल टू द ओजोन लेयर एमिटेड फ्रॉम प्रोडक्ट्स करंटली बैंड फ्रॉम यूज़। अब देखिए है क्या CFC है क्या, ये देखिए फ्रेंड्स इसमें है क्या, जो हमारी ओजोन लेयर को पतला करने वाले जो कारण हैं, ठीक है, जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें से कुछ ऐसी गैसें निकलते हैं जो हमारे एयर पोल्यूशन में जाती हैं, तो हमारे जो वो ओजोन लेयर को पतला करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको कई प्रोडक्ट को जो बैन कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ओडोर यानी कि स्मेल सच एज फ्रॉम गार्बेज सीवेज इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब देखिए जो गटर है, ठीक है, गटर है, कूड़ा करकट है, अब वहाँ से जब हमें स्मेल आती है तो वो गैस की स्मेल होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसमें मिक्स हो जाती हैं, एयर में, तो एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट है हमारा वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। देखिए वाटर पोल्यूशन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसकी देखिए आपको मैं यहाँ पे इसका सीधे से मैं सिंपल इसका बता दूंगा। वैसे देखिए अगर मैं इसको एक एक लाइन पढ़ूंगा तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको मैं सिंपल सा इसका मतलब बता दूँगा क्या है। देखिए वाटर पोल्यूशन क्या है, देखिए सबसे पहले है कि हमारी जो धरती है वहाँ पे जो पानी है वो पीने के लिए 1% ही काम में है। 100% जो पानी है उसमें से 97% जो पानी है, जो वाटर है, वो किसमें है, वो समुद्र की, समुद्र में जो समुद्र है यानी कि सीज हैं, जो ओशंस हैं, महासागर है, उसके फॉर्म में है, उनका पानी खा रहा है। 2% जो पानी है वो बर्फ़ के रूप में है, जो 1% पानी है वो बचा हुआ है। अब देखिए 1% जो पानी बचा हुआ है अगर वो भी ख़राब हो जाए तो इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। देखिए वाटर पोल्यूशन है क्या कि धरती के अंदर जो पीने वाला पानी मौजूद है अगर वो ख़राब हो जाए तो उससे होगा क्या, हमें नुकसान होगा। देखिए आपको सिंपल सी बात करते हैं, जैसे हमारे घर में जो कूड़ा करकट होता है, कूड़ा जो करकट होता है वो हम जब फेंकते हैं तो एंड में वो जाएगा समुद्रों के अंदर। अब देखिए समुद्रों के अंदर जब कूड़ा करकट फेंका जाता है, फेंकने से क्या होगा कि जो उसके अंदर जो रहने वाले मछलियाँ हैं, जो प्राणी हैं, रहने वाले जो जीव जंतु हैं, ठीक है, वही कूड़ा करकट वो खाएंगे तो होगा क्या, उनकी डेथ हो जाएगी या उनका जो एटमॉस्फेयर अंदर का चेंज हो जाएगा। अब देखिए जैसा पानी है, साफ पानी है, वैसा तो है, अगर उसके अंदर कूड़ा करकट फेंक दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा, तो उनके अंदर जो रहने वाले जो जीव जंतु है वो मर जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कि जैसे गंदा पानी जो है अगर वो फसलों को दे दिया जाए तो फसलें सारी ख़राब हो जाएंगी। फसलें ख़राब होने से क्या होगा कि एक तो फसल, जैसे मान के चले कि अगर प्याज की खेती है या कुछ भी और खेती है, अगर वो ख़राब हो जाए तो प्याज कितना महंगा हो जाएगा, है ना, तो फसलें महंगी हो जाएंगी तो इंसान के लिए वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं सीधे ही आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, यहाँ पे नीचे देयर आर आल्सो टू डिफरेंट वेज इन विच पोल्यूशन कैन अकर। देखिए पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन, दो तरह से पोल्यूशन फैलता ही है। देखिए पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, व्हेन अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन कैन बी रीडली आइडेंटिफाइड बिकॉज इट हैज़ ए डेफिनेट सोर्स एंड प्लेस,
where it enter the water, it is said to come from a point source. Example, municipal industrial discharge pipes. अब देखिए इसमें है क्या, जब प्रदूषण के स्रोत को आसानी से पहचाना जा सकता है. देखिए पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है कि जब हम पहचान लेते हैं कि हाँ ये वाटर जो पोल्यूशन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, जब हमें वो पहचान लेते हैं तो उसे कहते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन. क्योंकि इसका जो एक निश्चित जो स्रोत है, जो स्थान है, जो पानी के अंदर जैसे वो प्रवेश कर रहा है, जो पानी के अंदर जो एंटर कर रहा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन. यानी कि जब हमें पता चल जाता है कि जो वाटर पोल्यूशन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, ठीक है, वो हमें पता चल जाता है. जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है, जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, ठीक है, उससे अगर अगर वो जो पानी है, जो इंडस्ट्रियल जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, अगर उनका जो गटरों का पानी लोगों के पानी में, पीने वाले पानी में मिक्स हो जाए तो हमें वो तुरंत पता चल जाएगा. हमारे जो घर में जो जो टैप लगी हुई हैं, टूटियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे जो पानी है वो गंदा आने लगे तो हम कहते हैं ना ये गटर वाला पानी मिक्स हो के आ रहा है. तो इनकी वो सोच जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है. नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, अब देखिए जिनको पहचाना नहीं जा सकता, इसका उल्टा, ठीक है, जब प्रदूषण के स्रोत को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, व्हेन ए सोर्स ऑफ पोल्यूशन कैन नॉट बी रेडली आइडेंटिफाइड सच एज एग्रीकल्चर रन ऑफ एसिड रेन, ठीक है. अब देखिए जैसे एग्रीकल्चर रन ऑफ है, एसिड रेन है, यानी कि जो अम्लीय वर्षा है, ठीक है. अब जैसे देखिए गटर में जो पानी गटर का पानी जो मिक्स हो गया वो तो हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आया होगा. अब देखिए कि जो एसिड रेन हुई होगी वो अगर खेत फसलों पर हो जाए, फसलें तो ख़राब हो जाएंगी, उसे पहचाना नहीं जा सकता कि आया कहाँ से, ठीक है. व्हेन पॉइंट्स ऑफ पोल्यूशन एंटर्स द एनवायरनमेंट, द प्लेस मोस्ट अफेक्टेड इज यूजली द एरिया इमीडिएटली अराउंड द सोर्सेज, ठीक है. अब देखिए है क्या कि इसमें क्या है कि हमारे जो आसपास के जो वातावरण है, जो आसपास के जो माहौल है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाता है. अब देखिए कुछ ऐसे सोर्स है वो पानी के अंदर मिल रहे हैं. अब देखिए जैसे अगर एसिड रेन हो जाए हमारी जो फसलों के अंदर, वो अगर उसका पानी चला जाए फसलें ख़राब हो जाएंगी. तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं टैंकर की, ठीक है फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं हम, समटाइम्स पोल्यूशन दैट एंटर्स द एनवायरनमेंट इन वन प्लेस हैज़ एन इफेक्ट हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे. अब देखिए कुछ कई बार क्या होता है कि जो पोल्यूशन है, ठीक है, वो पोल्यूशन क्या है कि एनवायरनमेंट में इतना खतरनाक साबित होता है कि वो कई बार कुछ हज़ारों मील तक जो है वो फैल जाता है. दिस इज नोन एज ट्रांसबॉर्डरी पोल्यूशन. वन एग्जांपल इज द वे रेडियो एक्टिव वेस्ट ट्रेवल्स थ्रू द ओशंस फ्रॉम न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट्स इन इंग्लैंड एंड फ्रांस टू नियर बाय कंट्रीज सच एज आयरलैंड एंड नॉर्वे. अब देखिए कभी कभी जो क्या है कि प्रदूषण जो है वो एक जगह पर प्रवेश कर जाता है. जब कई बार क्या है, जब पोल्यूशन है जब एक जगह पर आ जाता है तो वो काफ़ी दूर तक फैल जाता है, ठीक है. जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, जैसे देखिए जो रेडियो एक्टिव है, जो पोल्यूशन है, वो अगर उसका जो कचरा है, उसका जो वेस्ट है, जो रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है, जैसे जो परमाणु बनाने में या कुछ बम बनाने में कुछ भी वहाँ पर इस्तेमाल होता है, जो उसका वेस्ट है, वो अगर महासागरों में, जैसे आपको बताया, तो जैसे उनका जो कचरा है, जो वेस्ट है, वो समुद्र में फेंकते हैं. अब जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट समुद्र में फेंका, जो वो समुद्र करते करते आगे कहाँ पे पहुँच जाएगा, वो पहुँच जाएगा इंग्लैंड में, ठीक है, फिर पहुँच जाएगा फ्रांस में, फिर उसके साथ साथ जो कंट्रियाँ आयरलैंड नॉर्वे वहाँ तक पहुँच जाएगा. यानी कि किसी कंट्री के द्वारा अगर जो रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है वो अगर फेंका गया है, वो समुद्रों के महासागरों के जरिए वो इन देशों में पहुँच जाएगा, तो इन देशों का जो पानी है, जो वाटर है, वो भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स. अब सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं कि ये कहाँ से होगा. देखिए देखिए मैं आपको सीधे सीधे यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे पढ़ूंगा और साथ ही इसका मैं आपको बता दूंगा. देखिए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है, डोमेस्टिक सीवेज. तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं डोमेस्टिक सीवेज की. डोमेस्टिक सीवेज क्या है, जो हमारा जो घरेलू, ठीक है, जो हमारा जो घरेलू जो हम बात कर रहे हैं उसकी, हमारा जो हम इस्तेमाल करते हैं. दिस इंक्लूड हाउस होल्ड वेस्ट लाइक फूड वेस्ट, सिंथेटिक डिटर्जेंट यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ एंड क्लीनिंग बाथरूम एंड लेटरिंग्स एंड वाटर बेस्ड पेंट. अब देखिए जब हम घर में जब कपड़े धोते हैं वहाँ पे डिटर्जेंट का सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कपड़े धोने के लिए, बाथरूम को क्लीन करने के लिए हम करते हैं, या फूड वेस्ट जो है कुछ है, वो सारी जो चीज़ें हैं
जब हम कूड़े के रूप में, ठीक है, वेस्ट के रूप में जब हम फेंकते हैं, तो ये सारे जो घरेलू जो डोमेस्टिक सीवेज है, ठीक है, ये सारी किस में जाएंगी? जैसे आप देखिए, आपने जैसे अपना कपड़े धोए, जो आपका जो वो पानी है डिटर्जेंट वाला, वो गटर में जाएगा, गटर के आगे जाके वो करते करते वो एंड में नालों के जरिए समुद्र में पहुंच जाएगा। तो इसे क्या वाटर पोल्यूशन हो रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, अब देखिए इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, आपको मैं सीधे यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर टेक्सटाइल है, शुगर है, फर्टिलाइजर कोई फैक्ट्री है, ऑयल रिफाइनरी जो फैक्ट्रीज है, कोई दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे जो उनका वेस्ट है, जो उनका वेस्ट है वो उनका कचरा कहाँ पे जाता है, वो पानी के अंदर जाता है। पानी के अंदर जाने से क्या है, अगर आसपास के इलाके के लोग उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उनके लिए तो खतरा है बहुत ज़्यादा, है ना। एग्रीकल्चर सोर्सेज, अब देखिए जब हम फसलों के ऊपर जो फर्टिलाइज़र के रूप में जो हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के साथ जो कई बार क्या है, जो काफ़ी दवाइयाँ जिसके ऊपर छिड़का देते हैं, ठीक है, काफ़ी जो उसके ऊपर हम कर देते हैं, तो उससे होता क्या है, उससे होता क्या है कि वही जो है उसका जो इफ़ेक्ट है वो पानी के अंदर वो फैल जाएगा, ठीक है, वो पानी के अंदर फैल जाएगा। पानी के अंदर क्या है, जैसे मान के स्प्रे कर दिया, स्प्रे करने से उसकी नमी होगी, वो उसके ज़मीन के अंदर चली जाएगी, ज़मीन के अंदर जैसे जहाँ पे जड़ है चली जाएगी, तो वो करते करते कहाँ पे है वो जाएगा, उसके आसपास जो लेक है, पौंड है, या नदी है, जो झील है, ठीक है, जो सॉरी नदी झील नहीं, जहाँ पे तालाब है या झील है, वहाँ पे जाके मिक्स हो जाएगा, ठीक है। वही पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही हमारे लिए हेल्थ प्रॉब्लम का कारण बनता है। पेस्टिसाइड्स, दिस इंक्लूड इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, देखिए जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, जो पेस्टिसाइड्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं वही फसलों के छिड़काव के लिए, वही जो है आगे जाके हमारा वाटर पोल्यूशन में जाके मिक्स होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था वाटर पोल्यूशन। देखिए नेक्स्ट है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या है, देखिए पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशंस आर द मेन सोर्स ऑफ द थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर, वेयर वाटर इज यूज फॉर कूलिंग एंड बिकम्स हॉट। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम बात यहाँ पे करेंगे थर्मल पोल्यूशन की। अब देखिए जो पावर प्लांट है, जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ठीक है, जहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे जो बिजली बनाई जाती है वहाँ पे क्या है, मेन सोर्स क्या है, पानी का, पानी से बिजली बनाई जाती है जैसे, तो है क्या, जब पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो पानी, ठीक है, पानी देखिए बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ये जब गर्म पानी, द हॉट वाटर ऑन एंटरिंग द मेन वाटर बॉडी रेज ए टेम्परेचर। अब देखिए जो ये गर्म पानी, जब ये देखिए बिजली बनाने के लिए जब पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो पानी के अंदर जो टर्बाइन लगाता है, जो पंखा लगाता है, जो घूमता है, वो पानी को गर्म कर देता है। गर्म होने से देखिए, अगर वही पानी जो है वो मेन वाटर बॉडी के अंदर जब जाएगा, उससे क्या है, पानी का जो टेम्परेचर है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है, विच किल फिशेज। अब उससे देखिए, अगर जो साधारण पानी, उसमें हम गर्म पानी डाल दें, ठीक है, अब आप देखें नहाने के लिए, सर्दियों के लिए अगर आप गीज़र का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गर्म पानी ज़्यादा हो जाए तो आपकी जो स्किन है वो जल जाती है। अब आप देखिए जो बिजली बनाने के लिए जब पानी का इस्तेमाल होता है, जब वो गर्म पानी मेन वाटर बॉडी में जब छोड़ा जाता है, तो वो पानी का जो लेवल है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। गर्म होने से क्या है कि जो अंदर जो मछलियाँ हैं वो क्या है, वो मर जाती हैं, या अदर जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, एक्वेटिक जो एनिमल है, वो क्या है, वो भी मर जाएंगे, ठीक है, तो ये उनके लिए कारण है। अब देखिए पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं वो भी इनसे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थर्मल पावर के लिए सबसे बड़ा जो है ये नुकसान पहुँचाता है पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स को और मछलियाँ वगैरह को, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब थर्मल पोल्यूशन में बात करेंगे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की। सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट फ्रॉम हाउसेज इंट्रोड्यूस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वेज प्रोडक्ट जुआ वॉर्म्स एग बैक्टीरिया इनटू वाटर। दिस कंटेमिनेटेड वाटर इफ कंज्यूम्ड कॉज जॉन्डिस टाइफाइड डिसेंट्री कलेरिया ट्यूबरकुलोसिस एट्सेट्रा। अब देखिए इसमें है क्या, थर्मल पोल्यूशन की हम बात करते हैं यहाँ पे, इसमें है क्या देखिए। अब देखिए
पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसे रोगजनक जीव। रोगजनक जीव पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो एक रोग को, ठीक है, एक बीमारी को फैलाने वाले जो हैं वो जीव या ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, घरों से निकलने वाला, जब देखिए घरों से निकलने वाला मल यानी कि सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट, जो हमारा जो फ्लश है, जो हमारा जो वॉशरूम है, अगर वहाँ पे जैसे देखिए जो वहाँ से जो वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट जो निकलता है वो, ठीक है, और जो हमारा जो घरेलू कचरा है, ठीक है, वो क्या है, वो कारण है किसका, वो कारण है पोल्यूशन का, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, जो उसमें जो घर का जो घरेलू कचरा है, जो हमारा घर का जो वेस्ट है, वो क्या है, वो क्या है, बैक्टीरिया को पानी में डाल देता है। इससे क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कि जैसे कहीं पे गटर खुला हो, ठीक है, कहीं भी जैसे हो ना, जैसे गटर का पानी निकला, गटर ओवरफ्लो हो गया, गटर का पानी ओवरफ्लो हो गया, अब वो वहाँ पे जैसे फैल गया कहीं बाहर तरफ, अब वो क्या करेगा, वहाँ से कितनी स्मेल आने लगती है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मक्खियाँ आ जाएंगी, काफ़ी कुछ आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे कई बीमारियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, ये भी पोल्यूशन का कारण है, ठीक है। नेक्स्ट है मिनरल ऑयल्स, ठीक है, यानी कि खनिज तेल। ऑयल फ्रॉम ऑयल स्पिल्स एंड वॉशिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स फाइंड वे इनटू रिवर वाटर थ्रू सीवर्स। अब देखिए, जब हम व्हीकल्स की धुलाई करते हैं, जब इसको धोया जाता है, वॉश किया जाता है, तो उनका जो जो पानी है, जो उनका वेस्ट है, वो नदियों के पानी में मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी कारण है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन की, ठीक है। अब हमने ऊपर बात की थी वाटर पोल्यूशन की, अब आपको मैं यहाँ पे एक नया पॉइंट बताऊंगा, आपने शायद ये पहले कहीं पढ़ा हो, अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन की, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नया पॉइंट आपको यहाँ पे बता दूंगा। अब देखिए, अंडरग्राउंड वाटर पर्टिकुलरली इन सिटीज एंड इंडस्ट्री एरिया इज नो मोर प्योर एंड सेफ। अब देखिए, जो ज़मीन के अंदर जो पानी है, चाहे आप किसी शहर की बात करें, चाहे आप इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, वहाँ पे ना तो आपको पानी साफ मिलेगा, ठीक है, ना आपको सेफ मिलेगा, यानी कि जो पानी है वो बहुत गंदा है, ठीक है। आप देखिए, पहले के ज़माने में क्या है, कुएं का पानी आप पी सकते थे, घर के अंदर जो नलके लगे होते थे, जो हैंडपम्प लगे होते थे, वहाँ पे जो आप पानी जो है आसानी से पी सकते थे। आजकल पानी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ठीक है। द सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन आर सीवेज, सीपेज पिट्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, सेप्टिक टैंक्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, गार्बेज एट्सेट्रा। अब देखिए, जो ज़मीन के अंदर का पानी है वो भी ख़राब हो रहा है। कैसे हो रहा है ख़राब? अब देखिए, मान लीजिए समुद्र के अंदर पानी तो चलो ख़राब हो रहा है, वो तो मानते हैं, ज़मीन के अंदर का पानी भी ख़राब हो रहा है कैसे? अब देखिए कि जो सीवेज है, जो सीवेज होता है ना, जैसे गटरों का पानी मिक्स हो रहा है, जो उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल का जो कूड़ा करकट है वो मिक्स हो रहा है, ठीक है, जो गार्बेज है, जो कूड़ा करकट है, जो आम वो मिक्स हो रहा है, ठीक है, जो कीटनाशक है, जो यानी कि फर्टिलाइज़र है, वो हम जब डालते हैं फसलों के ऊपर, वो सारा किस में जाएगा? अब जैसे मान के चलिए कि खेत के अंदर जैसे पेस्टिसाइड लगाया, फसलों के ऊपर स्प्रे किया, तो वो करत करके कहाँ पे जाएगा? जड़ में जाएगा फसल की। जड़ में जाने से वो अंदर जो है ज़मीन के अंदर जो है वो समा जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा, उससे क्या होगा, जो उसके अंदर जो पानी है वो हो जाएगा ख़राब, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन से क्या है, मैरीन वाटर पोल्यूशन। देखिए, मैरीन वाटर पोल्यूशन क्या है, रिवर एंड स्ट्रीम नेटवर्क सोर्स ऑफ वाटर अल्टीमेटली एंड अप क्लीन एंड सीज, ठीक है, यानी कि नदी और जल के जो स्रोत हैं और अंत में समुद्र, और देखिए इसमें है क्या, जो रिवर का जो पानी है, जिसका पानी है वो एंड में कहाँ पे जाके मिलेगा, ठीक है, नदियों का पानी कहाँ पे मिलता है, वो मिलता है समुद्रों में या सागरों में। दस दीज एक्ट्स द सिंक ऑफ द ऑल नेचुरल एंड मैन मेड वाटर बेस्ड पोल्यूटेंट्स। द मेन सोर्स ऑफ ओशनिक पोल्यूशन आर डिस्चार्ज ऑफ ऑयल, ग्रीसेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डिटर्जेंट, सीवेज एंड गार्बेज इंक्लूडिंग रेडियोएक्टिव वेस्ट। अब देखिए, मेरीन वाटर पोल्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, यानी कि समुद्र जल प्रदूषण। अब देखिए, समुद्र यहाँ से कितनी दूर है, आपने समुद्र देखा होगा चाहे फ़ोटो में चाहे कहीं से भी, अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र जो है वो कैसे पोल्यूशन, वो कैसे प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है, उसमें कैसे पोल्यूशन फैल जाएगा। अब देखिए,
जब हम अपने घरों में डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, उसका जो पानी है, जो कूड़ा करकट है, वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा? ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने घर पे कपड़े धोए या कुछ भी किया, उसका जो पानी है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो कहाँ पे जाएगा? गटर में, गटर का कहाँ पे जाएगा? नालों में, कर करके वो जाएगा नदियों में, नदियों से कहाँ पे जाएगा? समुद्र में या ओशन से। अब देखिए, घर से आपके जो पानी गंदा निकला, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में देख लो कितनी आबादी है, वहाँ से अगर पानी निकलेगा तो वो एंड में कहाँ पे जाएगा? समुद्र के अंदर। हमारे जो घर का जो कूड़ा करकट है, वो सारा दुनिया भर का कूड़ा करकट इकट्ठा होकर कहाँ पे जाएगा? समुद्रों के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या है, वो मैरीन वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है। अब देखिए, जो समुद्र के अंदर जो रहने वाली मछलियाँ वगैरह हैं, जो प्लांट्स हैं, जो जीव जंतु हैं, उनकी डेथ हो रही है उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक आपने देखा होगा, बैन प्लास्टिक। प्लास्टिक क्यों बैन किया जाता है फ्रेंड? देखिए, जब देखिए कि प्लास्टिक के लिफाफे के अंदर, जब ऐसे ही कई लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक के लिफाफे के अंदर ऐसी खाने वाली चीज़ें हैं जो फेंक देते हैं जानवरों के खाने के लिए। ठीक है, अब जानवर क्या करते हैं, प्लास्टिक के अंदर जो खाना है वो तो खा लेते हैं, साथ में प्लास्टिक का लिफाफा भी खा लेते हैं। अगर प्लास्टिक का लिफाफा खा लेते हैं तो वो उनकी जो है वो गले में अटक जाएगा, उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो उनकी वो डेथ वहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अब इसलिए तो प्लास्टिक को बैन किया है कि ताकि वो जल्दी से गल जाए। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है, अगर उसको ज़मीन के अंदर आप गाड़ दीजिए, ज़मीन के अंदर उसको रख दीजिए, तो वह 5,000 साल तक वो ऐसा ही रहेगा, वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, वो पूरी ज़मीन को भी बंजर कर सकता है। प्लास्टिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मटीरियल्स यूज फॉर मेकिंग वर्चुअली एवरी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लोथिंग टू ऑटोमोबाइल पार्ट। अब देखिए, कपड़े से लेकर व्हीकल्स की बात करें तो वहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल होता ही है। प्लास्टिक इज लाइट एंड फ्लोटेड इजिली, सो इट कैन ट्रेवल एनमरस डिस्टेंस अक्रॉस द ओशंस। मोस्ट प्लास्टिक्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। देखिए, बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब है कि जो ईजिली जो है, जिसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जो बने ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, जिसे हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते। देखिए, प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो हल्की होती है, जो इजीली पानी के ऊपर तैर सकती है, जो करते करते कई ओशंस तक पहुंच जाती है। विच मीन्स दैट थिंग्स लाइक प्लास्टिक बॉटल्स, टॉप कैन सर्वाइव इन द मैरीन एनवायरनमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखिए, जो प्लास्टिक जो बॉटल्स का जो कैप होता है, ढक्कन होता है ऊपर वाला, वो जो है अगर वापस समुद्र में है, वो तैरते तैरते कई समय तक वो है जो रहेगा, यानी कि जो वो समुद्र का जो पानी है उसको ख़राब करता रहेगा। ए प्लास्टिक बॉटल कैन सर्वाइव एन एस्टिमेटेड 450 ईयर्स इन द ओशन एंड प्लास्टिक फिशिंग लाइन कैन लास्ट अप टू 600। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए जो प्लास्टिक है, देखिए एक प्लास्टिक की जो बोतल है वो समुद्र में, जो ओशन में, लगभग 450 साल तक जो है वो रह सकती है। अगर आप देखिए, प्लास्टिक की जो बोतल है अगर आप समुद्र के अंदर डालते हो तो 450 साल तक वो वहाँ पे रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, प्लास्टिक मछली पकड़ने की रेखा 600 साल तक रह सकती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल सी बात देखिए कि जो प्लास्टिक है, ठीक है, जो प्लास्टिक है वो पानी के अंदर जो है वो 450 साल तक रह सकता है, ज़मीन के अंदर जो है वो 5,000 साल तक वो रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का जैसे आपको बताया ही था, ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है? ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है कि जो धरती है उसका टेम्परेचर का बढ़ना। आप देखिए, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो गैसें हैं, ठीक है, तो उस गैसों का जो बैलेंस बना हुआ है, जैसे 78% जा रहे हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, 21% क्या है ऑक्सीजन है, 0.03% क्या है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऐसे सभी गैसों का क्या है, एक बैलेंस बना हुआ है। अगर उनमें एयर पोल्यूशन के जरिए क्या है, अगर उनमें थोड़ा सा वो चेंजेस हो जाए, ठीक है, तो वो हमारे लिए ख़तरनाक है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा पिछले काफ़ी सालों से 20% बढ़ चुकी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, गर्म होने से क्या होगा, ये जो ग्लेशियर है, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, ठीक है, अब देखिए जी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्म हो रही है तो वो हवा को गर्म कर रही है, एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही है। अब गर्म हवा जब ग्लेशियर के ऊपर जाएगी, बर्फ़ के पहाड़ों के ऊपर जाएगी, उसका जो पानी है वो जो पिघलेगा, जो वो पानी के रूप में समुद्र में जाएगा, तो समुद्र का क्या होगा, जो लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कई जगह फ्लड आ जाएंगे। अर्बन डेवलपमेंट, अब देखिए
एज पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन सो हैज़ द डिमांड फॉर हाउसिंग फूड एंड क्लोथ एज मोर सिटीज एंड टाउन आर डेवलप दे हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर टू प्रोड्यूस मोर फूड सॉइल एरोजन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन एडिक्वेट सीवर कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट लैंडफिल्स एज मोर गार्बेज इज प्रोड्यूस्ड इंक्रीज इन केमिकल फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस मोर मटीरियल्स. अब देखिए इसमें है क्या, शहरीकरण की वजह से यानी कि अर्बन डेवलपमेंट की वजह से हो क्या रहा है यहाँ पे, जब शहरीकरण की वजह से क्या है, डिमांड बढ़ रही है घरों की, खाने की, कपड़ों की, ठीक है. जैसे जैसे सिटी शहर बनते जा रहे हैं वैसे वैसे जंगलों की कटाई होती जा रही है, ठीक है. उनको सहूलियत देने के लिए काफ़ी जो है जंगलों की कटाई हो रही है, काफ़ी कुछ ऐसा इस्तेमाल हो रहा है चीज़ों का जिससे क्या है कि इंसान को जो खतरा हो रहा है. अब देखिए जैसे वो शहरीकरण है, जो शहरों में क्या है कि जैसे आपको उसमें अपने घर में एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो एसी की जो गैस है वो कितनी ख़तरनाक है, जो गर्म गैस है वो हवा में फैलेगी, इंसान को खतरा है, ठीक है. उसके बाद क्या है कि जो फ्रिज से गैस निकलती है तो काफ़ी, जब उसको जैसे आपको फर्नीचर चाहिए वहाँ पर जंगलों की कटाई होगी, ठीक है. तो इससे क्या है कि शहरीकरण तो हो जाएगा पर आपका जो माहौल है, जो आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, एनुअल वेस्ट, द वेस्ट प्रोडक्ट द वेस्ट प्रोड्यूस ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस बाय एनिमल्स इज वॉश्ड अवे इनटू रिवर्स व्हेन इट रेन इट गेट मिक्स अप विद अदर हार्मफुल केमिकल एंड कॉज वेरियस वाटर बॉर्न डिसीज लाइक कोलेरिया, डायरिया, जॉन्डिस, डिसेंट्री एंड टाइफाइड. अब देखिए एनिमल वेस्ट क्या है, जब एनिमल का जो वेस्ट है, जब है जैसे जब एनिमल वेस्ट जो होता है जब बारिश पड़ जाए तो वो किस में मिक्स हो जाएगा, वो पानी में मिक्स हो जाएगा, वो समुद्रों में मिक्स हो जाएगा, तो वही पानी जो है जब हम पीने के लिए हमारे पास आएगा तो हमें उससे काफ़ी बीमारियाँ हो जाएंगी. आप देखिए जो पीने वाला पानी है, ठीक है, आजकल हमें इसे फ़िल्टर करके पीना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि पोल्यूशन वो काफ़ी फैल चुका है, ठीक है फ्रेंड्स. यानी कि जो एनिमल वेस्ट है वो भी एक तरह का पोल्यूशन है जो ज़मीन के अंदर पानी को ख़राब कर रहा है. नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन क्या है, देखिए यानी कि मिट्टी का ख़राब होना, ठीक है. सॉइल पोल्यूशन आल्सो एज लैंड पोल्यूशन इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ द सॉइल और द लैंड प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ नेचुरल लाइफ विच इंक्लूड लैंड यूज और कल्टिवेटेड वाइल्ड लाइफ एज वेल एज हैबिटेशन. कॉमन कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन इंक्लूड नॉन सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, हजार्डियस वेस्टेज एंड सीपेज इन टू द सॉइल, माइनिंग एज वेल, लिटिंग. सॉइल पोल्यूशन कैन बी रिजल्ट इन रिड्यूस ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज पॉइजनिंग ऑफ द लैंड एंड द नियर बाय वाटर. देखिए सॉइल पोल्यूशन क्या है कि मिट्टी का ख़राब होना, ठीक है फ्रेंड्स. अब देखिए उसी मिट्टी में फसलें उगाई जाती हैं, अगर वही ख़राब हो जाएँ तो उसे होगा क्या, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा इंसान का, ठीक है. जैसे आप देखिए कि खेती के लिए जब हम जो ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, जब उसमें मिट्टी होती है, ठीक है, तो वो अगर ख़राब होनी शुरू हो जाए, ठीक है, जैसे हम फसलों के ऊपर छिड़काव करते हैं, पेस्टिसाइड वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो पेस्टिसाइड क्या है, वो ज़मीन के अंदर जब मिट्टी के अंदर जब जाएगा तो उसको वो केमिकल के रूप में वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है. जैसे हम ज़मीन के अंदर जो है मिट्टी के अंदर जैसे आप देखिए कूड़ा करकट है वो दबा दो, प्लास्टिक दबा दो, तो क्या होगा, आपकी जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी, तो वो फसल जो है, जो ज़मीन जो है वो बंजर हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स. देखिए हज़ारों साल लगते हैं एक मिट्टी को, एक सॉइल को फर्टाइल होने के लिए, उपजाऊ होने के लिए, तो अगर उसमें हम कूड़ा करकट डालने लग जाएँ, ठीक है, तो होगा क्या, वो जो मिट्टी है वो ख़राब हो जाएगी. अब देखिए मिट्टी जो यानी कि सॉइल पोल्यूशन है, जो मृदा प्रदूषण जैसे हिंदी में कहते हैं, उसके कारण क्या हैं. डोमेस्टिक वेस्ट, वही जब हम जो घरों में इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को, ठीक है. सॉइल पोल्यूशन इज़ इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट. हाउस होल्ड वेस्ट इंक्लूड फूड स्क्रैप्स, ओल्ड न्यूज़पेपर एंड प्लास्टिक आइटम, बोतल, वुड, ग्लासेस, कैंस, ओल्ड टूल्स, टायर्स, वॉर्न आउट फर्नीचर, ब्रोकन टॉयस एंड मैनी अदर सब्सटेंस. अब देखिए जो घरेलू जो कचरा है उसकी जब मात्रा बढ़ती जाती है, जैसे हमारे घर में डेली का जितना कूड़ा करकट होता है, जैसे कोई कबाड़ हो, स्क्रैप हो,
पुराने जो समाचार पत्र हैं, प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं, बोतलें हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सॉइल पोल्यूशन का कारण है। अब देखिए म्युनिसिपल वेस्ट है ना, जैसे आप देखिए नगर पालिका का जो वेस्ट है, म्युनिसिपल वेस्ट इंक्लूड्स गार्बेज रिमूव फ्रॉम होम्स, ह्यूमन एक्सक्रीटा, वेस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल थ्रोन इन मार्केट्स। अब देखिए बाज़ारों में क्या है, जब गली सड़ी सब्जियां फड़ी होती हैं, ठीक है, उसके बाद जो फ्रूट्स की जो वेस्टेज है, ये सारी चीज़ें जो हैं जब ये फेंक दी जाती हैं तो ये भी कारण है सॉइल पोल्यूशन का। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ने के बजाय आपको सीधे ही मतलब बता दूंगा पॉइंट्स का क्या है, ठीक है, तो वो जल्दी हो जाएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, देखिए फ्रेंड्स है कुछ नहीं है, है फ्रेंड्स कुछ नहीं है। देखिए इसमें देखिए जो ये पॉइंट है ना, ये सारे तकरीबन पोल्यूशन के सेम ही है, चाहे वो डोमेस्टिक वेस्ट हो, चाहे वो म्युनिसिपल वेस्ट हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेम ही हैं तकरीबन। अब देखिए जो प्लास्टिक का इस्तेमाल जब होता है इंडस्ट्री के अंदर, जब लीड है, कॉपर है, जब इसका इस्तेमाल होता है, जब केमिकल है, ये सारे केमिकल जो है जब पानी के अंदर जाएंगे, वही पानी, ठीक है, अब आप देखिए छोटा पॉइंट देखिए, जब इंडस्ट्रियल जब वेस्ट होता है, जब उसका जो वेस्टेज है जब पानी के अंदर जाता है, पानी के अंदर जाने से अगर वही पानी जो है वह हम मिट्टी जब हम खेतों में देंगे तो उससे क्या है, हमारी जो है वो मिट्टी भी सॉइल भी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, जिससे सॉइल पोल्यूशन होगा। केमिकल वेस्ट, ठीक है, अब देखिए केमिकल वेस्ट क्या है, वही फ्रेंड्स आप बात करेंगे, जैसे आप देखिए कि जो केमिकल वेस्ट क्या है कि जैसे मैं आपको सीधे से यही बताऊँगा कि जैसे पानी के अंदर जैसे आप पेस्टिसाइड जो है फसलों के ऊपर डालेंगे वो केमिकल वेस्ट ही है, ठीक है, तो वो जब जाएंगे मिट्टी के अंदर तो उसको वो ख़राब कर देंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या है, देखिए बायोलॉजिकल एजेंट्स जब जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, ठीक है, जब ये मिट्टी के अंदर जब जाते हैं, जब पैदा हो जाते हैं, तब ये भी फसलों को ख़राब कर देते हैं, ठीक है, हम कहते हैं फसलों को कीड़ा लग गया, फसलों के अंदर ये हो गया। अब देखिए जैसे गंदा पानी जो है किसी फसल के ऊपर डाल दो तो उसके अंदर जो क्या है बायोलॉजिकल एजेंट्स जो पोल्यूशन फैलने का कारण है वो उत्पन्न हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे, जो आपकी सॉइल को ख़राब कर देंगे। नेक्स्ट है माइनिंग एंड स्मेल्टिंग, देखिए माइनिंग एंड स्मेल्टिंग एक्टिविटी बाय कोल एंड मिनरल माइनिंग इंडस्ट्री इज़ ए मेजर कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अब देखिए जो कोयले की और जो मिनरल माइनिंग जो इंडस्ट्री है, ठीक है, अगर जो इसका जो उद्योग है, जो इसका जो एक्टिविटीज जो हो रही है, ठीक है, ये भी कारण है सॉइल पोल्यूशन का, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जब कोयला निकालने का काम किया जाता है तो ये भी हमारी सॉइल पोल्यूशन का जो कारण बनती है, ठीक है, इससे क्या है जो मिट्टी की जो परत है वो पतली हो जाती है, ठीक है, तो जो कारण बनती है सॉइल पोल्यूशन का। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, अब देखिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी क्या है, निर्माण गतिविधियाँ, जब देखिए जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जब कोई घर बनाया जाता है, कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, ठीक है, उसमें जो आप देखिए कि कई स्मार्ट पार्टिकल निकलते हैं डस्ट के, जो धीरे धीरे करके हवा में फैलते हैं, वही हवा जो है वो मिट्टी के अंदर समा जाती है, ठीक है, तो वो सॉइल पोल्यूशन का कारण बनती है, ठीक है। नेक्स्ट एसिड रेन, देखिए एसिड रेन वही है जब हवा में जब पोल्यूशन फैल जाता है, जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन वैसे जो गैस है जब वो फैल जाती है तो उसकी वजह से जो एसिड रेन होती है, वही एसिड रेन जब फसलों के ऊपर होती है तो फसलें जो है वो ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए उसमें केमिकल मिक्स हो जाता है वो जो फसलों के लिए नुकसानदेह होता है। सॉइल एरोजन, एरोजन यानी कि मृदा अपरदन, देखिए द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल चेंजेस विद द सॉइल एरोजन एंड द यूजफुल लैंड इज डिस्ट्रॉयड। देखिए सॉइल एरोजन क्या है, देखिए मिट्टी की जो सतह है ना, जैसे वो ज़मीन है उसके ऊपर ना काफ़ी परतें होते हैं मिट्टी की, जिसमें उपजाऊ मिट्टी की काफ़ी जैसे परतें होती हैं। अब देखिए जैसे मिट्टी में चेंज हो जाए, जब मिट्टी में चेंज होने लग जाए तो उसे क्या है जो ऊपर वाली जो परत है वो ख़राब होने लग जाएंगी, जो फसल जो उपजाऊ मिट्टी है वो ख़त्म होने लगेगी, जिससे क्या है कि जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो इन अदर वर्ड्स सॉइल एरोजन इज़ ए प्रोसेस बाय विच सॉइल पार्टिकल्स ट्रांसफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू फैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, दस द अपर पोर्शन ऑफ द लैंड इज इन एडवेंटली डिस्ट्रॉयड। वही मैंने जैसे आपको बात की कि जब ज़मीन के ऊपर वाली जो परत है, जो उपजाऊ है, वो ख़त्म हो जाती है, कैसे, जब एक जगह से दूसरी जगह, जब देखिए जैसे मिट्टी है, ठीक है, जब उपजाऊ मिट्टी है एक खेत में,
वहाँ पे फसलें उगाई गई हैं। अगर एक खेत की जो मिट्टी ख़राब हो जाए, अब उसका जो पानी है उसके अंदर जो नमी होती है वह जब दूसरे खेत में पहुँचती है वह दूसरा खेत भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर वाली जो परत है वो ख़राब हो जाएगी। अब देखिए टाइप ऑफ सॉइल पोल्यूशन क्या है, ये दो तरह का है, एक पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन है, एक नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन है। पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन की बात करें तो क्या है, रिडक्शन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल ड्यू टू एडिशन ऑन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा इज कॉल्ड पॉजिटिव पोल्यूशन, ठीक है। दीज पोल्यूटेंट्स हैव कम्युलेटेड इफेक्ट एंड किल द सॉइल ऑर्गेनिज्म। देखिए पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन क्या है कि जो हमें फ़ायदा थोड़ा सा दे देते हैं, जब देखिए फसलों को कीड़ा लग जाता है, जब फसलें जो है उसको पोल्यूशन से पोल्यूटेंट से, पोल्यूटेंट्स क्या है जो फसलों को ख़राब करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसको रोकने के लिए जब हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उससे उनको रोका जा सकता है, तो जिससे फसलें बचाई जा सकती है, वो है पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन। अब नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन क्या है, देखिए इट इज़ कॉज्ड बाय रिमूवल 01 यूजफुल कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम सॉइल एरोजन, डीफॉरेस्टेशन एंड इम्प्रॉपर मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखिए पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन में हमने जैसे पढ़ा था ना कि फसलों को बचाने के लिए जब हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे फसलों को बचाया जा सकता है। नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन क्या है कि जब हम डीफॉरेस्टेशन करते हैं, जब हम जंगलों की कटाई कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जब हम इम्प्रॉपर मेथड करते हैं जब एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर मेथड चाहिए, जब हम गलत तरीके से जब एग्रीकल्चर करते हैं, जब हम ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर दें, ठीक है, तो वो नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन है। ठीक है, अगर हम एक हद तक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें तो फसलों के लिए सही है, अगर हम ज़्यादा कर दें तो फसलों के लिए वो नुकसानदायक है, वो होगा नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हम बात करेंगे नॉइस पोल्यूशन की। नॉइस पोल्यूशन क्या है, शोर प्रदूषण, यानी कि जब हम लाउड म्यूज़िक बजाते हैं, जब एरोप्लेन है उसकी आवाज़, पटाखे हैं, ठीक है, और रेल निकल रही है, कुछ भी ट्रैफिक है, इसमें जब हॉर्न बजते हैं तो उससे क्या है नॉइस पोल्यूशन होता है, जो आपको बहरा कर सकती है, जो आपको मानसिक तौर से, दिमागी तौर से परेशान कर सकती है, ठीक है। तब देखिए सोर्सेज ऑफ नॉइस क्या है, यानी कि सोर्सेज ऑफ नॉइस क्या है कि कैसे जो है आवाज़ जो है वो निकलती है, शोर प्रदूषण कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पॉइंट सारे सेम ही है। इंडस्ट्रियल नॉइस है, अब देखिए इंडस्ट्री में जो अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो मशीनें चलती हैं उसकी आवाज़ है वो भी जो है हर एक जगह पे, देखिए अगर कहीं पे ड्रिलिंग की जा रही है, कहीं पे हथौड़ा मारा जा रहा है, कहीं पे कोई मशीनें चल रही हैं, कुछ भी काम हो रहा है एक फैक्ट्री के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो उससे क्या है, उससे जो है वो शोर निकलता है, जो उससे क्या है वो नॉइस निकलती है, जो नॉइस पोल्यूशन का कारण बनती है। ठीक है, अगर आप देखिए जैसे किसी मशीन के आगे खड़ा जाओ जो बहुत आवाज़ कर रही है, तो आप उससे क्या है आपको दिमागी परेशानी हो सकती है, या आप उससे बहरे भी हो सकते हो। ठीक है, नॉन इंडस्ट्रियल नॉइस भी है, ठीक है, यानी कि जो इंडस्ट्री एयर नॉइस तो बात हो गई, जब फैक्ट्रियों के अलावा जो है वो जो है नॉइस पोल्यूशन भी होता है। रोड ट्रैफिक नॉइस क्या है, देखिए रोड की कंडीशन, ट्रैफिक क्लियरेंस, कंडीशन ऑफ व्हीकल्स, अब आप देख स्पीड ऑफ व्हीकल, कॉमन सेंस। अब देखिए जो रोड कंडीशन, रोड की कंडीशन कैसी है, ठीक है, हाईवे है, गलियों में है, कैसा है, वो हो गया। ठीक है, ट्रैफिक क्लियरेंस है, यानी कि जो ट्रैफिक कैसा ट्रैफिक है, जैसे मान लीजिए कि एक जगह ट्रैफिक जाम होगा, वहाँ पे हॉर्न बजाए जाते हैं लगातार, वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन है। कंडीशन ऑफ व्हीकल, देखिए कुछ जो व्हीकल्स हैं वो काफ़ी जो धुआं फैलाते हैं, ठीक है, वो हो गया। अब देखिए एक जो व्हीकल है वो काफ़ी स्पीड से निकलें, ठीक है, वो भी नॉइस पोल्यूशन फैलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। रेल ट्रैफिक नॉइस, आपके सामने से रेलगाड़ी निकले उसमें से आवाज़ आएगी, वो भी नॉइस पोल्यूशन का कारण है। एयरक्राफ्ट नॉइस, यानी कि जब आसमान में जब जहाज़ उड़ता है उसकी भी आवाज़ होती है काफ़ी। रेजिडेंशियल एंड कम्युनिटी नॉइस, ठीक है, हमारे आसपास में जब काफ़ी आवाज़ें आती हैं, जैसे ठीक है आप देखिए जैसे मस्जिद में अजान की आवाज़ है, मंदिर गुरुद्वारे में जब शाम को आवाज़ आती है, तो ये लाउड स्पीकर जब लगाए जाते हैं तो ये नॉइस पोल्यूशन का कारण है। टाइप्स ऑफ एम्बिनेंट नॉइस, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एम्बिनेंट नॉइस की, यानी कि परिवेश शोर के प्रकार। अब देखिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो नॉइस पोल्यूशन है वो कैसा है, कितने प्रकार का। देखिए कॉन्टीन्यूस नॉइस, अब देखिए फ्रेंड्स जब मशीनें लगातार चलती हैं, कॉन्टीन्यूस नॉइस का मतलब क्या है कि जब लगातार जिसमें से आवाज़ें निकलती रहती है, जब जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर जब मशीनरी का कोई वर्क हो रहा है, ठीक है, वो लगातार
जब मशीनें चलती हैं तो उसे लगातार आवाज़ें निकलती रहती हैं, जैसे कोई पंप है लगातार चलता रहे तो उसे आवाज़ निकलती है, तो उससे क्या है कॉन्टीन्यूस नॉइस निकलेगी जो नॉइस पोल्यूशन का कारण होगा। इंटरमिटेंट नॉइस, ठीक है, देखिए जब देखिए व्हेन मशीनरी ऑपरेट्स इन ए साइकिल, जब मशीनरी क्या है साइकिल के रूप में, साइकिल क्या है कि जैसे 9 से 5 तक वो चलेगी मशीन, कल फिर चलेगी परसों फिर चलेगी, तो वो लगातार जब चलती रहती है मशीन, ठीक है, तो वो भी नॉइस पोल्यूशन का कारण है। जैसे देखिए जो व्हीकल्स है, जो एरोप्लेन है, जो जहाँ से निकलता है तो उसका, जैसे देखिए एक एरोप्लेन उड़ रहा है, अगर बहुत ऊंचाई पे है तो उसकी आवाज़ कम होगी, अगर वो उसकी ऊंचाई जो है कम होगी आसपास होगा तो उसकी जो नॉइस है वो ज़्यादा होगी, उसे बोलते हैं इंटरमिटेंट नॉइस, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी नॉइस पोल्यूशन का कारण है। इम्पल्सिव नॉइस क्या है, इम्पल्सिव नॉइस क्या है, देखिए द नॉइस फ्रॉम इम्पैक्ट और एक्सप्लोजन, एग्जाम्पल पंच प्रेस और गनशॉट इज एग्जाम्पल इम्पल्सिव नॉइस। अब देखिए जैसे गोली चलती है वहाँ से नॉइस निकलती है, जब कोई बम फटता है तो वहाँ पे नॉइस निकलती है, तो ये भी नॉइस पोल्यूशन का कारण है। फ्रेंड्स देखिए हमारी ज़िंदगी के, हमारी लाइफ के हर पहलू पे, हर स्टेज पर कोई ना कोई पोल्यूशन फैल रहा है, चाहे वह नॉइस हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो सारे ही पोल्यूशन का कारण है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। देखिए रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब देखिए जो पोल्यूशन है, जब अभी हम 20वीं शताब्दी की बात करते हैं, जब हम देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन बनाए जा रहे हैं, ठीक है, अब आप देखिए जैसे कोई जब हथियार बनाया जाता है, जब परमाणु टेस्ट किया जाता है, तो उसमें से देखिए कि काफ़ी जो धुआं निकलता है, ठीक है, अब देखिए कोई ना कोई देश जो है वो टेस्ट करता रहता है स्पेस में, टेस्ट करने से क्या है आप देखते हो कि स्पेस सेंटर से जब काफ़ी धुआं निकलता है, जैसे कोई मिसाइल छोड़नी हो आसमान में तो काफ़ी धुआं निकल नीचे से निकलता है, तो वो उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, यानी कि हथियारों से निकलने वाला जो धुआं है, हथियारों से फैलने वाला जो पोल्यूशन है वो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या है, देखिए अल्फ़ा पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल आर लार्ज एंड ट्रेवल फ्यू सेंटीमीटर इन द एयर, दीज कॉज लार्ज अमाउंट ऑफ लोकल आयनाइजेशन। देखिए अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है, ये पार्टिकल बड़े साइज के होते हैं जो हवा में काफ़ी दूर तक फैलते हैं। बीटा पार्टिकल क्या है, दीज आर स्मार्ट पार्टिकल कैरेक्टराइज बाय हैविंग हाई वेलोसिटीज, दे कैन ट्रेवल अ फ्यू मीटर्स इन स्पेस। देखिए ये हवा में कुछ दूरी तक फैलते हैं, ये छोटे होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है, बड़े पार्टिकल जो काफ़ी दूर तक, काफ़ी सेंटीमीटर तक हवा में फैलते हैं, ठीक है, ये जो बीटा पार्टिकल है ये कुछ मीटर तक। नेक्स्ट बात करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रेंड्स है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्लूड वेव ऑफ शॉर्टर वेव लेंथ, दीज आर कैपेबल ऑफ ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस एंड कैन रेडली पेंट्रेट द लिविंग टिश्यूज, दीज इंक्लूड गामा रेज, दीज कैन पेंट्रेट एंड प्रोड्यूस इफेक्ट इवन विदाउट बींग टेकन इनसाइड। देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि किसी भी चीज़ के अंदर जाए बिना भी उसको बाहर से ही नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के अंदर जाए बिना भी उसको बाहर से नुकसान वो है वो पहुंचा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जो जो है क्या, ये छोटी छोटी जो है ये किरणें हैं, छोटी छोटी जो वेव्स हैं, ठीक है, ये जो क्या है हवा में काफ़ी दूर तक ये फैल सकती हैं, ठीक है, जब अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल की बात करें वो थोड़ी सी दूर तक फैल सकती है, काफ़ी दूर तक फैल सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन, देखिए दीज आर लार्ज अनचार्ज पार्टिकल विच डू नॉट कॉज रेडिएशन बाय देमसेल्फ बट दे प्रोड्यूस रेडियो एक्टिविटी इन नॉन रेडियो एक्टिव मिनरल मटीरियल्स थ्रू विच दे पास। अब देखिए न्यूट्रॉन है क्या, ये जो बड़े बड़े ये कण हैं, यानी कि ये कौन से कण हैं, लार्ज अनचार्ज पार्टिकल हैं फ्रेंड्स ये, ठीक है, ये जो बड़े बड़े जो अनचार्ज पार्टिकल है, यानी कि चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज पार्टिकल है, ये जो अपने आप, ठीक है, जो अपने आप क्या करते हैं, जो अपने आप जो रेडिएशन नहीं बनाते, यानी कि न्यूट्रॉन्स में क्या है, ये अनचार्ज पार्टिकल होते हैं जो अपने आप जो है वो रेडिएशन नहीं करते, बट फिर भी ये क्या करते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी की जो नॉन रेडियो एक्टिव जो मटीरियल है, ठीक है, उसके तहत फिर भी ये मिल जाते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन कैसे पार्टिकल से अनचार्ज पार्टिकल है, पहली बात तो अनचार्ज पार्टिकल है जो ये
खुद से जो कोई कारण नहीं बनते रेडिएशन का, पर जो रेडियो एक्टिविटी की जो जिससे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, आपको फिर से बताता हूँ ये न्यूट्रॉन क्या है। पहली बात तो ये, कोई भी ये रेडिएशन खुद से नहीं फैलाते, न्यूट्रॉन ऐसी चीज़ है खुद से जो रेडिएशन नहीं फैलाते, बट अगर कोई रेडियो एक्टिविटी फैलाने वाला जो मटेरियल है उसके साथ ये मिल सकती है, ठीक है। इसका ये शॉर्ट जो है इसका आंसर है। देख फ्रेंड्स, एक्सरेज हैं ये भी, ये छोटी छोटी किरणें होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, ये सिमिलर होती है गामा रेज के, ठीक है, बट ये सिमिलर होती है गामा रेज के। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कौन सी रेज है जो गामा रेज के साथ जैसी होती है, वो होती हैं एक्सरेज। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, ठीक है, ये इसके बाहरी जो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, जो इसका बाहरी जो इलेक्ट्रॉनिक जो शेल है उससे निकलता है। एक्सरेज कौन सी है जो इलेक्ट्रॉनिक जो शेल है जैसे, ठीक है, जो इसका बाहरी जो कवर होता है उससे ये निकलती है। कॉस्मिक रेज क्या है, देखिए, दीज आर रेडिएशन फ्रॉम द आउटर स्पेस विच कंटेन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल टुगेदर विद गामा रेज। अब देखिए ये कहाँ से निकलती है रेडिएशन, कहाँ से, ये आउटर स्पेस से निकलती हैं, ठीक है, ये गामा, ये जो गामा रेज है ना, ये गामा रेज के साथ ही अल्फा बीटा इसमें पार्टिकल भी होते हैं। कॉस्मिक रे में क्या है, इसमें क्या है, देखिए अल्फ़ा रे भी है इसमें, इसमें अल्फ़ा पार्टिकल भी, इसमें बीटा पार्टिकल भी है, इसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं, ठीक है, अल्फ़ा है, बीटा है और गामा रेज दोनों ही इसमें होती हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉस्मिक रे। तो ये सारे ही कारण हैं, ठीक है, पोल्यूशन का। देखिए सोर्सेज क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर वेपन ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट या यूरेनियम माइनिंग, ये यहाँ से निकलता है, इसके ये सोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मरीन पोल्यूशन। मरीन पोल्यूशन क्या है, समुद्री प्रदूषण, यानी कि जब समुद्र का जो पानी है वो प्रदूषित हो जाए। जैसे मैंने आपको फ्रेंड्स यहाँ पे करने वाली बात कुछ नहीं है, मैं आपको यहाँ पे सिंपल बता देता हूँ, देखिए लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे आपको एक ही लाइन मैं बताऊँगा। मैरीन का मतलब है समुद्र, पोल्यूशन का मतलब है प्रदूषण, यानी कि समुद्र के पानी का प्रदूषित होना। अब देखिए जो घरों से, जो फैक्ट्रियों से जब वो जो कूड़ा करकट निकलता है, जो कुछ भी है, जब देखिए हमारे जो घर का जो सीवेज है, जो हमारे घर का जो आप देखिए कूड़ा करकट है, दुनिया भर का जो कूड़ा है, ठीक है, वो सारा कहाँ पे जाएगा, समुद्र के अंदर जाएगा। वह जब कूड़ा, दुनिया भर का कूड़ा जो करकट है, वो वेस्ट मटेरियल जब समुद्र के अंदर डाला जाएगा, तो वो उससे क्या होगा, जो पानी है, ठीक है, उसमें काफ़ी चेंजेस हो जाएंगे, वाटर में काफ़ी चेंजेस हो जाएंगे, जिससे जो है मैरीन पोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि समुद्री प्रदूषण हो जाएगा। अब देखिए कूड़ा करकट फेंकने से भी वहाँ पे पोल्यूशन होगा। अब देखिए जैसे हम घरों में डिटर्जेंट वगैरह है, जब जो वेस्ट मटेरियल है, या जो नदियों नालों का जो पानी है, जो गंदा पानी है, ठीक है, जो डोमेस्टिक सीवेज है, इसका जो पानी है, ये एंड में जब समुद्र में जाता है तो ये उसको समुद्र को प्रदूषित कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए लिखा ना, कॉज सोर्सेज ऑफ मरीन पोल्यूशन, देखिए टॉक्सिक केमिकल इन वाटर, देखिए जो काफ़ी हानिकारक, जो काफ़ी वशीले, जो काफ़ी इंजीरियस, ठीक है, जो ख़तरनाक जो केमिकल है वो वाटर के अंदर आ जाते हैं। देखिए जब वाटर के अंदर, जब पानी के अंदर जो मछलियां हैं, जो बाकी जो जीव जंतु रहते हैं, उससे इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। मरीन पोल्यूशन है कि समुद्र के पानी का ख़राब होना, ठीक है, ये टॉक्सिक केमिकल आ जाते हैं पानी के अंदर, ठीक है। ऑयल स्पिलेज है, यानी कि जो ऑयल है, ग्रीस है, जो पानी के अंदर मिलती है, वो भी कारण है इसका। स्मॉल पार्टिकल है फ्रेंड्स, देखिए छोटे छोटे जो टाइनी प्लास्टिक बीट्स है, जो देखिए जो आप जैसे बोतल का ढक्कन लगा लो, बोतल का जो कैप लगा लो, प्लास्टिक की ऐसी चीज़ें जो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, वो भी इसका कारण बनती है। जैसे पीछे अभी ऊपर लेक्चर में देखा था ना कि पानी की जो बोतल है वो 450 साल तक इसके अंदर रहती है, ठीक है। प्लास्टिक लीटर, ह्यूमन वेस्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारे सारे जो कचरा है, जो सीवेज है, ठीक है, जो शिपिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसका कारण है, ये सारी चीज़ें समुद्र में जब जाएंगी, ठीक है, दुनिया भर का जो कूड़ा करकट जाएगा, सीवेज जाएगा, ये समुद्र में जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि समुद्र का जो पानी है वो प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लाइट पोल्यूशन। देखिए लाइट पोल्यूशन क्या है, ठीक है, लाइट पोल्यूशन को हम पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आपको मैं लाइट पोल्यूशन के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ, इसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश प्रदूषण। देखिए जब होता क्या है कि ओवर लाइटिंग हो जाती है, ठीक है, ओवर लाइटिंग हो जाती है, तो उसे बोलते हैं प्रकाश प्रदूषण या लाइट पोल्यूशन। जैसे आप किसी जगह पर खड़े हो, वहाँ पे लाइट ही लाइटें चारों तरफ, ठीक है, इतनी लाइटें हैं, तो वहाँ पे लाइट पोल्यूशन होगा।
अब आप कहेंगे कि सभी जगह पोल्यूशन पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे लाइट पोल्यूशन बोलते हैं। जैसे देखिए बहुत बड़ी बड़ी जो जो हमारा जो शहरीकरण जो कई बड़ी जो सिटीज़ हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लाइटों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे क्या है कि जब बहुत सारे लाइटें जगाई जाती हैं, जलाई जाती हैं, तो उससे क्या है लाइट पोल्यूशन होता है, ठीक है। अब आप देखिए कि एक कमरे के अंदर, आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप देखिए वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक जैसे आप लाइट जलाते हो तो उससे तो चलो होता ही है। जैसे आप देखिए पहले गवर्नमेंट ने क्या है, अब कहा है ना कि आप CFL बल्ब का इस्तेमाल करिए, दूसरे जो बल्ब है उसका इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि फ्रेंड देखिए जो जिसमें पीले रंग की रोशनी निकलती है, लाइट निकलती है बल्ब से, वो बैन कर दिए गए हैं तकरीबन। क्यों? क्योंकि आप देखिए वो कारण है पोल्यूशन का। अब देखिए वहाँ से जो गर्म जब गैस निकलती है, ठीक है, गैस को छोड़िए, जब वो गर्म हो जाता है बल्ब, जो गर्म हो जाता है तो इतना गर्म हो जाता है वो, तो वो गर्म जो लाइट वो छोड़ता है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण था, ठीक है। जब आप देखिए कि अगर आपके घर में लाइट चली जाए, कहीं पे लाइट ना हो, वहाँ पे अगर आप मोमबत्तियाँ जब कैंडल्स जब जलाते हैं आप, ठीक है, लाइट करने के लिए, तो उससे जब धुआं निकलता है थोड़ा सा, वो भी पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन का कारण है, ठीक है। तो देखिए लाइट पोल्यूशन के लिए ये होता कैसे है, देखिए ग्लेयर यानी कि चमक, यानी कि जब हम एक्सेस ब्राइटनेस दैट कॉज विजुअल डिस्कम्फर्ट। अब देखिए जब बहुत ज़्यादा चमक हो, ठीक है, तो आपको जो चीज़ देखने में असुविधा होगी, डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। जैसे आपको कोई चीज़ देखनी है, जैसे रात के समय आपको कोई गाड़ी देखनी है, अगर गाड़ी की लाइटें जगा रखी हों तो आप की जो आँखें पर लाइटें पड़ेंगी, ठीक है, तो आपको वो अत्यधिक चमक के कारण आपको वो चीज़ दिखेगी नहीं। स्काई ग्लो, ठीक है, ब्राइटनिंग ऑफ द नाइट स्काई ओवर इनहैबिटेड एरिया, यानी बसे हुए क्षेत्रों पर रात के आकाश का चमकना, ठीक है, स्काई ग्लो के कारण भी है। अब देखिए रात के समय में जो होता है ना स्काई ग्लो, लाइट ट्रेसपास यानी कि प्रकाश अतिचार, लाइट फेलिंग वेयर इज नॉट इंटेंट और नीडेड, देखिए प्रकाश गिरना जहाँ यह इरादा जरूर, यानी कि देखिए जैसे वहाँ पे लाइट की ज़रूरत है, जहाँ पे लाइट की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप एक किसी एक कमरे में बैठे हो, दूसरे कमरे में लाइट जल रही है, तो वो लाइट पोल्यूशन ही है, ठीक है, यानी कि बेवजह लाइट को जलाना लाइट पोल्यूशन। दिन के समय यानी कि जब आपके घर में पूरी तरह से लाइट हो फिर भी आप मोमबत्ती जला लो, वो लाइट पोल्यूशन है ना। क्लटर क्या है, ब्राइट कन्फ्यूजिंग एंड एक्सेसिव ग्रुपिंग ऑफ लाइट सोर्सेज। अब देखिए जब हम लाइट जो सोर्सेज है उसको जब हम और ज़्यादा जो उसको हम उज्जवल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देते हैं। जैसे आपके कमरे में मान के चलिए कि आपका जो कमरा है वहाँ पे एक ही ट्यूबलाइट लगेगी, आप वहाँ पे 10 ट्यूबलाइट लगा दो, तो वो ज़रूरत तो एक की थी, आपने 10 लगा दी, तो उससे बाकी से क्या होगा, वो लाइट पोल्यूशन होगा। यानी कि लाइट पोल्यूशन कब होता है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं, तब होता है लाइट पोल्यूशन। सोर्स ऑफ लाइट पोल्यूशन क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एडवर्टाइजिंग बोर्ड एंड कमर्शियल सेंटर, मैनी ऑफ द लार्ज इलेक्ट्रॉन साइन बोर्ड्स इन द सिटीज एंड द हाईवे आर लाइट अप बाय पावरफुल लाइट दैट फोकस ऑन द बोर्ड फ्रॉम बिलो। अब देखिए जैसे आप सड़क पे जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको ऐसे बोर्ड दिखाई देंगे जिन पर लाइट लगी होती है, ठीक है, आपको ऐसी फ्लैक्सेस लगी होंगी, ऐसे बोर्ड लगे होंगे जिसके अंदर लाइटें लगी होती हैं जो काफ़ी ग्लो करते हैं, चमकदार होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए रात भर जब वो चलते रहते हैं, ठीक है, तो वो लाइट पोल्यूशन को फैलाते हैं। नाइट स्पोर्ट ग्राउंड, अब देखिए जैसे खेल का मैदान है, दिन के समय तो लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब जैसे क्रिकेट देख रहे हो वहाँ पे रात के समय में क्रिकेट खेला जाता है, वहाँ पे इतनी लाइट कर दी जाती है तो वो लाइट पोल्यूशन का कारण बनता है। स्ट्रीट लाइट्स एंड कार लाइट्स, देखिए ये भी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो कार लाइट्स हैं, ये भी लाइट पोल्यूशन का कारण है। सिटी पार्क्स, एयरपोर्ट्स, पब्लिक प्लेस, रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पे लाइट पोल्यूशन का कारण है। फ्रेंड्स आप एक बात देखिए कि हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में कोई ना कोई पोल्यूशन तो है ही है, अगर देखिए स्ट्रीट लाइट ना हो तो। फ्रेंड्स देखिए अब हम बात करेंगे थर्मल पोल्यूशन की। थर्मल पोल्यूशन है क्या, थर्मल पोल्यूशन क्या है कि जब पानी की जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, तो उससे थर्मल पोल्यूशन होता है। जैसे देखिए कोई नॉर्मल पानी है, ठीक है, अब देखिए कि जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इनकी वजह से जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, ठीक है,
तो उससे होता है थर्मल पोल्यूशन, यानी कि जो पानी है वो उसमें चेंजेस हो जाते हैं अचानक से, ठीक है। पानी के अंदर क्या अचानक से चेंजेस होना, पानी का बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना और पानी की जो गुणवत्ता है वो ख़त्म हो जाना, वो किसकी वजह से होता है, थर्मल पोल्यूशन की वजह से। जैसे क्या है कि उसके अंदर जो रहने वाली जो मछलियाँ वगैरह हैं वो मर जाती हैं, ठीक है। थर्मल पोल्यूशन क्या है कि जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब देखिए ये होता किसके कारण है, सोर्सेज क्या है, देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, जैसे इंडस्ट्री है, इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जब वेस्ट निकलती है तो वो पानी के अंदर जाएगी, पानी की गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट से होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर जो प्लांट है, देखिए जिससे बिजली बनाई जाती है, जहाँ पे वहाँ पे जो वो पानी जैसे गर्म हो जाता है उसके अंदर, जब टर्बाइन घूमता है जब पानी गर्म होगा, ठीक है, तो पानी गर्म हो जाएगा जिससे थर्मल पोल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक सीवेज है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप एक बात नोट करिए कि जो जितने भी जो कारण है, सोर्सेज हैं पोल्यूशन के, वो सबके सब तकरीबन सेम ही है, यानी कि ये जो कॉमन से जो कारण है इससे कई तरह का पोल्यूशन फैल रहा है। डोमेस्टिक सीवेज से कई तरह के पोल्यूशन फैलते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वगैरह होगा, थर्मल पोल्यूशन हो गया, यानी कि सोर्सेज सेम ही हैं सारे पोल्यूशन के। कोई भी पोल्यूशन हो सोर्सेज सारे सेम ही हैं, इससे कई तरह के पोल्यूशन फैलते हैं, ठीक है। थर्मल पोल्यूशन कुछ नहीं है कि पानी की जब गर्मी बढ़ जाती है तो उसे थर्मल पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ थर्मल पोल्यूशन, देखिए इससे इफेक्ट क्या है, इट रिड्यूस डिसॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन ऑफ वाटर। देखिए जो पानी में जो ऑक्सीजन जो घुली हुई होती है, जब पानी में जितनी ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है। अब देखिए जैसे मछलियाँ हैं पानी के अंदर रहती हैं, जब ऑक्सीजन जब वहाँ पे देखिए पानी जब गर्म हो जाए ज़्यादा, जैसे मान के चलो जो सिंपल पानी जहाँ पे मछलियाँ रह रही हैं, वहाँ पे जब थर्मल पोल्यूशन की वजह से पानी गर्म हो जाए तो वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जब ख़त्म हो जाएगी तो मछलियाँ वगैरह मर जाएंगी। इट चेंजेस द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, देखिए पानी की जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म कर देगा, पानी की गुणवत्ता को ख़त्म कर देगा, जैसे साफ पानी उसका गंदा कर देगा, है ना। इट इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्टिव साइकिल, डाइजेशन रेट, रेस्पिरेशन रेट एट मैनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे इंसान है, जानवर है, कुछ भी है, उनमें जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी यानी कि जो पाचन शक्ति है, ठीक है, सांस लेने की रेस्पिरेशन जो रेट है, ठीक है, वो ख़राब हो जाएगा, इससे वो प्रभावित होगा, इससे वो इसके ऊपर वो इन्फ्लुएंस पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव साइकिल है ना, जैसे एक चीज़ ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद दोबारा से पाया जा सकता है, ठीक है, वो इससे इफेक्ट होगा। अब देखिए आप गंदा पानी कोई पी लोगे, ठीक है, आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको कई तरह की बीमारियां लग जाएंगी। इफ़ फेवर्स द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया एंड पैथोजन, ठीक है। अब देखिए जो गंदे बैक्टीरिया हैं, जो पैथोजन्स हैं, वो इससे पनपते हैं, जिससे क्या है, बहुत ज़्यादा हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रभावित हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कंट्रोल ऑफ थर्मल पोल्यूशन क्या है, देखिए अगर थर्मल पोल्यूशन को रोकना है, यानी कि थर्मल पोल्यूशन क्या है, पानी की गर्मी का बढ़ना, जब पानी की गर्मी बढ़ जाती है, जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है थर्मल पोल्यूशन होता है। अब इसे रोकने का कारण क्या है और कैसे रोका जा सकता है, तरीके देखिए, कूलिंग पॉन्ड्स, ठीक है, कूलिंग पॉन्ड्स क्या है, अब देखिए जो हमारे तालाब हैं, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ठंडा करेंगे, ठीक है, ठंडा रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ठंडा रखने की कोशिश मतलब ये नहीं कि वहाँ पे आप जाके कोई चीज़ लगा दो वो ठंडा हो जाए, ऐसे नहीं है। ठंडा रखने का ये मतलब है कि जैसे जो जिसके कारण जो पोल्यूशन फैल रहा है, जैसे डोमेस्टिक सीवेज है या कोई और चीज़ों से जिससे वो गर्म हो जाता है पानी, उसको पानी के अंदर जाने से रोकना, ठीक है, कूलिंग टावर लगाना, ठीक है। कूलिंग टावर का मतलब क्या है कि कूलिंग टावर लगाना जिससे पानी जो है वो ठंडा रहे, पानी गर्म ना हो, ठीक है। आर्टिफिशियल लेक बनाना, आर्टिफिशियल लेक का ये मतलब है जैसे जो नेचुरल लेक है, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक का मतलब है कि जो पानी जिससे पानी में पोल्यूशन फैल रहा है, जिससे थर्मल पोल्यूशन फैल रहा है, ठीक है, जो वेस्टेज उसके ऊपर अंदर जा रहा है वो वहाँ पे ना जाए, जो आर्टिफिशियल लेक बनाया जाए उसका पानी वहाँ पे उसका पानी में वहाँ पे मिक्स हो जाए। यानी कि आर्टिफिशियल लेक बनाने से क्या होगा कि जो अननेसेसरी जो चीज़ें हैं जो पानी को ख़राब करती हैं वो नेचुरल लेक में ना जाके आर्टिफिशियल लेक के अंदर जाए, जिससे वो है नेचुरल लेक को कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए आर्टिफिशियल लेक बनाना। देखिए नेक्स्ट है विजुअल पोल्यूशन,
विजुअल पोल्यूशन क्या है कि देखिए फ्रेंड, विजुअल का होता है मतलब देखना, तो पोल्यूशन का मतलब है होता है प्रदूषण, यानी कि जब हमें देखने में प्रॉब्लम आए तो वो है विजुअल पोल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ज़िंदगी के हर तरफ आपको सभी जगह पोल्यूशन दिखाई देगा। ठीक है, जब आप देखिए कि कुछ चीज़ें अपनी आंखों से ना देख पाओ वो भी है विजुअल पोल्यूशन। अब देखिए कोई बहुत सारी स्मॉग पड़ी हुई है, आप किसी चीज़ को देख नहीं पा रहे, तो आपको क्या है वो आपके लिए विजुअल पोल्यूशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि जैसे बिजली की लाइनें हैं, बिजली की तारें हैं, आपको कोई चीज़ जैसे बिजली की तारें लगी हुई हैं आपके, दूसरी तरफ आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, वो विजुअल पोल्यूशन है। ठीक है, किसी गैस के कारण आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, वो विजुअल पोल्यूशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि है क्या विजुअल पोल्यूशन, क्या है कि जब आपको देखने में दिक्कत हो वो क्या है विजुअल पोल्यूशन है। ठीक है फ्रेंड्स, दे ये कई तरह का हो सकता है, जैसे देखिए जिसमें बिल्डिंग्स बनी हो, ठीक है, कोई टेलीफोन हो तारे, टेलीफोन हो तारे बनी हो, वहाँ पे खंभे लगे हैं सड़कों पे, वो विजुअल पोल्यूशन है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स क्या है देखिए विजुअल पोल्यूशन के, हैज़ ड्यू टू डस्ट एंड एयर पोल्यूशन। अब देखिए धूल मिट्टी और वायु प्रदूषण के कारण जो धुंध होती है, ठीक है, जब देखिए हवा में जब क्या है कि डस्ट उड़ने लग जाए, ठीक है, तो वो क्या है वो विजुअल पोल्यूशन के अंदर आएगा। गार्बेज हीप एंड लैंडफिल्स, यानी कि कचरे का ढेर लगा हुआ है आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो विजुअल पोल्यूशन है। टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिक वायर्स एंड पोल्स, अब देखिए दूर संचार, यानी कि जो जिससे हम बातें करते हैं उसका अगर बिजली के तारे लगे हैं, कोई खंभे लगे हुए हैं, आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, तो वो क्या विजुअल पोल्यूशन है। कोई साइन बोर्ड लगे हुए हैं उससे विजुअल पोल्यूशन है। बैरन लैंड्स एंड डीफॉरेस्टेशन, यानी कि जो बंजर भूमि है, अगर वनों की कटाई हो रही है तब भी आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, तो विजुअल पोल्यूशन है। अर्बन जंगल हाउस कंस्ट्रक्टेड विद बैड डिज़ाइन, अब देखिए जो जंगल है वहाँ पे जब घर बनाए जाते हैं उनका डिज़ाइन ख़राब हो, ठीक है, उसके कारण आपको किसी चीज़ दिखाई नहीं देंगे, वो विजुअल पोल्यूशन है। स्मोक स्विंग चिमनी से और फैक्ट्री, अब देखिए जब फैक्ट्री से धुआं निकलता है तब तो आपको चीज़ दिखाई नहीं देंगी, वो विजुअल पोल्यूशन है। तो फ्रेंड्स देखिए ये ग्रीन हाउस के ऊपर भी इफेक्ट डालती है। ग्रीन हाउस क्या है फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस क्या है कि ऐसा गैसों का घेरा जो हमारी एटमॉस्फेयर के ऊपर है, जो सभी जैसे सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उससे भी रक्षा करेंगी, या जो भी अनवांटेड अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उससे भी रक्षा करेगी। यानी कि ग्रीन हाउस क्या है, हमारा एक ऐसा एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे जो एटमॉस्फेयर को बचा के रखती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ग्रीन गैसेस दैट ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसों का घेरा बना हुआ है उसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए फ्रेंड्स कि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जब देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि जैसे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% क्या है नाइट्रोजन है, 21% क्या है ऑक्सीजन है, बाकी 0.03% क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, और कितनी सारी गैसेस हैं। ठीक है, अगर इनका जो बैलेंस है वो जैसे बढ़ जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ये बढ़ जाए तो इससे क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा, हमारा एटमॉस्फेयर है जो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये किसके कारण है, ये कई तरह के पोल्यूशन के कारण होता है। इफ़ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर वुड बी वेरी लो अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस रेदर देन कम्फर्टेबल 15 डिग्री सेल्सियस फाउंड टूडे। ठीक है, अब देखिए यानी कि अगर पृथ्वी के ऊपर कोई वायुमंडल नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे तो इसकी जो औसत सतह का तापमान है आज पाया जाने वाला जो हमारा आरामदायक जो 15 डिग्री सेल्सियस के बजाय कितना होता 18 डिग्री सेल्सियस होता, 18 से भी कम होता। ठीक है, तो यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर ना हो तो जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज द एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब मोर इन्फ्रारेड एनर्जी दैट इट री रेडिएट्स टू स्पेस रिजल्टिंग इट इन ए नेट वार्मिंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम एंड ऑफ सरफेस टेम्परेचर। देखिए ये धरती के जो टेम्परेचर है, जो सरफेस के ऊपर टेम्परेचर है, उसको भी ये गर्म करती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउसेज गैसेज, देखिए हम फ्रेंड्स बात करेंगे ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसेज हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पे सिर्फ इसके नाम याद रखिए, आपके इसके बाद कुछ नहीं आने वाला पेपर में। ठीक है, इतनी गहराई से नहीं आएगा, सिर्फ आपको मैं इसके नाम ही बोलूँगा। देखिए ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, इसका आप रासायनिक सूत्र केमिकल जो है वो भी याद करिए।
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन यानी कि CH4, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, ओजोन यानी कि O2, सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी कि SF6, क्लोरो डिफ्लोरो मीथेन यानी कि CHCIF2, नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड यानी कि NF3, टेट्रा फ्लोराइड यानी कि CF4, डिक्लोरडी फ्लोरो मेथेन यानी कि CC I2F2, हेक्सा फ्लोरो एथेन यानी कि C2F6, वाटर वेपर H2O। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारी क्या है, ये सारी ग्रीन हाउस के अंदर जो गैसेस हैं वो है। आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम में पूछ लेंगे कि बताइए कि इसमें से ग्रीन हाउस की गैसेस कौन सी हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कौन सी ग्रीन हाउस की गैसेस नहीं हैं। नहीं है का मतलब कि आपको सारी गैस याद करनी पड़ेंगी, तभी आपको ये एग्ज़ाम में आ पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये लेक्चर का ये ख़त्म होता है, तब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर MCQs। अब देखिए पिछले वर्षों में, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से लेक्चर आ चुके हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। अब देखते हैं, इरिटेशन इन आई नाइस इज कॉज्ड बाय पोलूटेंट। अगर हमारी आंखों में इरिटेशन हो रही है, जलन हो रही है, वो किसके कारण है? सी आंसर का पैन। ठीक है, विच इज़ द सोर्स ऑफ क्लोरो फ्लोरोकार्बन। अब देखिए क्लोरो फ्लोरोकार्बन का सोर्स क्या है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर से, जो AC से, एयर कंडीशन से जो गैस निकलती है वो क्लोरो फ्लोरोकार्बन का सोर्स है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज नॉट यूज एज पोल्यूशन इंडिकेटर इन वाटर। ठीक है, यानी कि पानी के अंदर पोल्यूशन जैसे हो, इनमें से कौन सा पैरामीटर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब देखिए टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स है, कॉलीफ्रॉम काउंट है, डिसॉल्व ऑक्सीजन है या डेंसिटी है, तो इसका राइट आंसर है डेंसिटी। आपको मैं सीधे इसके फ्रेंड्स क्वेश्चन और आंसर सीधे बोलूँगा, आप ये देख लेना क्योंकि टाइम कम है अभी। देखिए अब आपको लिस्ट में यहाँ से मैच करनी है करेक्ट ऑर्डर से, आप ये यहाँ से मैच कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि BCAD ग्रीन हाउस। ठीक है, आप ये मैच कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ मिथेन। देखिए मिथेन का सोर्स क्या है, आंसर का ए वेटलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ एमिशन लीडिंग टू द एवेंचुअल फॉर्मेशन ऑफ सर्फेस ओजोन एज ए पोलूटेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पे नीचे, द स्मोक इन सिटीज इन इंडिया मेनली कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए जो स्मोक है, ठीक है, वो इंडिया के कई शहरों में है। ठीक है, तो वो क्या है, देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अनबर्न हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके कारण जो है वो स्मोग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज़ द मैक्सिमम पर कैपिटा एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, USA अमेरिका में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे निकलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, वुमेन आर क्लोजर टू द नेचर देन मैन, यानी कि जो महिलाएं हैं पुरुषों की तुलना में प्रकृति के करीब है। ठीक है, यह किस तरह का दृष्टिकोण है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव इज दिस। ठीक है, आपके सामने ये चार ऑप्शन है, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये है एसेंशलिस्ट। ठीक है, यानी कि आवश्यक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैटर ए ग्लोबल कंसर्न इन द रिमूवल ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जंगलों को हटाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द मेजर सोर्स ऑफ द पोल्यूटेंट गैस कार्बन मोनोऑक्साइड इन अर्बन एरिया। अब देखिए जो पोल्यूटेंट गैस है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो अर्बन जो एरिया है, ठीक है, वो कहाँ से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। ठीक है फ्रेंड्स, इन ए फ्यूल सेल ड्राइवन व्हीकल द एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द कम्बस्टन ऑफ। अब देखिए जो ईंधन के द्वारा जब व्हीकल चलते हैं, ठीक है, तो ऊर्जा जो जैन की जो व्हीकल जो चलते हैं, जो एनर्जी है वो कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन।
विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ बीन वर्स्ट अफेक्टेड बाई अर्बन स्मॉग इन रिसेंट टाइम। अब देखिए स्मॉग की वजह से कौन सी जो अर्बन सिटी है वो इस समय बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बीजिंग। चाइना जो है उसकी जो सिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक जो स्मॉग से प्रभावित हुई हुई हैं। द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन फ्रेश वाटर बॉडीज इज़। अब देखिए जो ताज़ा जो जल है, जो प्राइमरी जो फ्रेश जो वाटर है, जो वाटर है ठीक है, उसमें जो कार्बनिक जो प्रदूषण है वो कैसे होता है, तो इसका आप देखिए चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सीवेज इफ्लुएंट से। जब आप सीवेज यानी कि जो हमारे जो घरेलू जो कचरा होता है अगर पानी के अंदर जाएगा तो उससे पोल्यूशन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज हैज़ द शॉर्टेस्ट रेजिडेंट टाइम इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर कौन सी गैस है वो कम बहुत कम समय के लिए रहती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मीथेन गैस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ से आपको कोड देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें सही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 and 4, ठीक है। इनसाइड रूरल होम्स द सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूशन मे बी। अब देखिए जब हम गांव की बात करें, ठीक है, जब हम गांव की बात करें तो ग्रामीण के जो गांव के जो घर हैं उसके अंदर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो प्रदूषण का स्रोत हो सकते हैं, यानी कि जो गांव है उसके जो अंदर घर है वहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड के जरिए जो पोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, तो आपको एक कोड चुनना है कैसे हो सकते हैं। देखिए उनके घरों के अंदर जो पोल्यूशन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ABC तीनों ही सही है, ठीक है। जो घरों के अंदर पोल्यूशन है गाँव में वो अनवांटेड गैस स्टोव्स की वजह से भी है, वुड स्टोव्स की वजह से ही है, कैरोसिन हीटर्स की भी वजह से भी है, लकड़ी को जलाएंगे तब भी पोल्यूशन होगा, ठीक है, मिट्टी का तेल जलाएंगे तब भी पोल्यूशन होगा। द आर्सेनिक पोल्यूशन इन ग्राउंड वाटर इन बांग्लादेश एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया इज ड्यू टू। अब देखिए बांग्लादेश और भारत के कुछ हिस्सों में जो धरती के अंदर जो पानी है उसमें आर्सेनिक प्रदूषण पाया जाता है, ठीक है, यानी कि देखिए फ्रेंड्स आर्सेनिक जो पोल्यूशन कहाँ पे होता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि आर्सेनिक पोल्यूशन कहाँ पे है, जब ग्राउंड वाटर के अंदर जब पोल्यूशन होता है उसे बोलते हैं आर्सेनिक पोल्यूशन, ठीक है। तो ये कौन से पार्ट्स में है, देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेचुरल सोर्सेज़।